Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू testbook.com। वापस से हमारे इस मॉक टेस्ट की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो मॉक टेस्ट नंबर 5 की। तो हम लोग बात करेंगे अपने जीए की, फिर मैथ्स एंड उसके बाद से रीजनिंग। तो 3 घंटे का आपके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, साइंस से हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद से हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राहुल सर आपके साथ जुड़ेंगे, उसके बाद से रीजनिंग। तो एक एक घंटे के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा क्या पूछने वाला है, जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, रोहित, राजेंद्र, गुड़िया, कीर्ति, अर्चना, मनीष, मुस्कान, ज्योति, श्रेया, बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है कि इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट सितंबर 2020 में जो रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, दैट इज 71, 82, 89 या 90। तो देखिए, सबमिट एंड सर्वे आपके जितने भी 2020 में हुए, जो कि 19 वाले यहां पर रिपीट नहीं हुए, वो सारे हमको करने हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर जनता बोल रही है कि सर होना चाहिए सही जवाब, दैट इज ऑप्शन नंबर, हमारा जो रिस्क रिपोर्ट है उसमें हमारी 89th रैंक है। सही जवाब है यहां पर 89th रैंक। तो यहां पर हमें इसके ऊपर टिक करना चाहिए था। और रिस्क जो नेचुरल डिजास्टर का रिस्क रहता है, अर्थक्वेक है ना, इन सब की बात करें, और मैंने आपको बताया था कतर जो है वो आपका 181 रैंक पर है, जो कि बोल सकते हैं कि सेफेस्ट है। अभी आपको बताना है कि इनमें से बेंजीन, ठीक है, बेंजीन वर्ग का कौन सा उदाहरण है, बेंजीन किस में आता है, दैट इज बेंजीन का जो ग्रुप है उसमें कौन सा आता है, दैट इज क्यूमेन, एसिटिलीन, इथेन या एथिलीन। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको मैंने बहुत पढ़ाया, अभी आपको बताना है, गेस करना है, एलिमिनेट करो या जो भी करना चाहते हो आप करिए। इसमें बताइए क्या होना चाहिए। तो यहां पर जनता बोल रही है सर एथीन होना चाहिए, एथीन की तरफ जनता जा रही है। उसके बाद से मनीष को लग रहा है सर 4 होना चाहिए, प्रियंका को लग रहा है सर 1 नंबर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक। मतलब एक को हम लोग बोलते हैं क्या, तो एक को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन, जिसमें एक चेन बनती है। जैसे एसिटिलीन को देखोगे, एसिटिलीन क्या होती है, एसिटिलीन C2H2, सिंपल सी एक चेन है। यहाँ पर आप एथेन को देखोगे तो C2H6, एथिलीन को देखोगे तो दैट इज C2H4। तो ये आपके क्या है, ये सारे ओपन चेन है, मतलब इसमें कैटिनेशन फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्यूमेन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्लोज्ड चेन होती है, क्लोज्ड मतलब बंद होती है इस तरीके से, बेंजीन रिंग की तरीके ये आपकी क्लोज्ड होती है। देन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग है, और उसके बाद से यहां पर आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर आपको क्या जुड़ा रहता है, दैट इज यहां पर इस तरीके से CH2। तो ये क्यूमेन है, लेकिन हमने क्यूमेन का नाम मान लो नहीं सुना था, लेकिन हमको पता है कि एसिटिलीन, एथेन, एथिलीन, ये सभी के सभी हमारे ओपन चेन है, इसलिए हमको 1 नंबर के ऊपर टिक कर देना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि हमको सब कुछ पता हो, हम कुछ चीजें एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो बेंजीन का मतलब है क्लोज्ड ग्रुप, और क्लोज्ड ग्रुप में ये तीनों नहीं आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करना चाहिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए सोनू, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जितने लोगों ने 1 नंबर बताया था वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है कि इन द कॉन्केव मिरर इफ वी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, कॉन्केव मिरर है और उसमें मैंने फोकस और पोल के बीच में किसी वस्तु को रख दिया, तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी, एट सेंटर, सेंटर पे होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द मिरर, या नन ऑप्शन इज करेक्ट। जरा सोच के बताइएगा, कॉन्केव मिरर जिसमें हमारी कोई भी चीज को हम बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कहां पर रखी है, मैंने इसको रखा हुआ है
ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। यहां पर जनता बता रही है कि सर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। याद रखिएगा हमारा सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में आपका जो ये वाला सरफेस होता है, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसको पोल बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, और यहां पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर बोला है कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर प्लेस किया, ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में। जब आप इतनी पास रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बहुत बड़ा बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे। तो वर्चुअल, जब भी इमेज पीछे जाएगी तो वर्चुअल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इरेक्ट होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। हमने आपको अलग अलग क्लासेस में कॉनकेव मिरर के बारे में बताया कि इनफाइनाइट पर होता है तो फोकस पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे होता है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। पीडीएफ में मैं आपको ये सारा कुछ दे दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब हमारे लिए। अभी आपको बताना है 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 कहां पर आयोजित किया गया था, मतलब 2020 में 23वां युवा महोत्सव नई दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में या शिलोंग में किया गया, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 की बात है, ठीक है। 12 जनवरी 2020 की बात, लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि आगे आने वाला जो मार्च है वो एक बहुत बड़ा सन्नाटा लेकर के आने वाला है। ये हमारे यहाँ पर आयोजन किया गया 23वां था और इसको शुरुआत करने वाले थे हमारे केंद्रीय खेल मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, और उनके साथ थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 दिन चला ये इवेंट, लखनऊ में आयोजित किया गया था। 1995 से ये आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब लखनऊ जितने लोग बोल रहे हैं वो सही है। गुंजन, करंट अफेयर्स पे फोकस करो, और ये तो जनवरी 2020 का है, यहाँ पर गलती करने का मतलब है कि आप जो है वो काफी पीछे चले जाएंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। हमको ये पता है कि ये हमारी इलाहाबाद के पास मिर्जापुर, अब तो शायद काफी फेमस भी हो गया है, मिर्जापुर के पास से पास होती है और इसको हम लोग 82.5 डिग्री बोलते हैं, कितने स्टेट से पास होती है, जल्दी से बताइए। यहां पर जनता बोल रही है कि सर होना चाहिए, मनीष का जवाब आया सर 5 स्टेट होना चाहिए। कई बार हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। हमारे यहाँ पर जो मिर्जापुर इलाहाबाद यूपी से पास होती है वो खुद यूपी, फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश, हमने आपको बताया था, उसके बाद से छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से कट के ही बना था, देन उड़ीसा, देन उसके बाद से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे सही जवाब है 5 स्टेट से पास होती है, जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे क्या है आगे की तरफ है। GMT 5.5 घंटे से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आगे है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहां पर तो 5 नंबर कीर्ति बिल्कुल सही था। अभी आपको बताना है एनीमोमीटर से हम कौन सी चीज मापते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन का जो बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी है वो आगे आनी चाहिए, एक्यूरेट जवाब आपके ज्यादा से ज्यादा आए ये कोशिश करिए। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ विंड या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए जो गलत बताता है ना उसके ऊपर मेरी आवाज, मेरा जो है वो नजर जल्दी पड़ती है, विशाल भगत तो पड़ता ही नहीं है। खैर सारी बातों को छोड़ के सिर्फ जवाब दीजिए। रोहित बिल्कुल सही है, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। आशा, प्रियंका, मनीष, रोहित, बलराम, अनिसा, श्लोक, रितेश, ऑल आर सेइंग सर इज ऑप्शन नंबर 3, स्पीड ऑफ विंड की तरफ जाएंगे। ये हमको कौन मीजर करता है, तो एनीमोमीटर ये मीजर करता है। तो हर बार हम एक ना एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आते हैं, आपको वो याद होने चाहिए। अभी आपको बताना है कि किसने हमारे प्रियंबल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला है, इसिता, गुड़िया, क्या होना चाहिए, क्या यहां पर सही जवाब है। दीपक,
एन के पालकी वाला, के एम मुंशी, अर्नेस्ट बार्कर या ठाकुर दास भार्गव। मैं हर बार बात करता हूँ प्रियम्बल की, जिनको हमारे बोल सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल का सबसे पहला पेज होता है, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, उसको के एम मुंशी ने बोला था। ये हमारी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। के एम मुंशी, जो आप लोग अर्नेस्ट बार्कर बोल रहे हो, इसको उन्होंने की बोला था। हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी है, ठीक है। उसके बाद से के एम मुंशी ने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला। एन ए पालकीवाल ने इसको आईडी कार्ड बोला था। एन ए पालकीवाल ने इसको आईडी कार्ड बोला। और ठाकुर दास भार्गव ने इसको बोला था क्या, तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुर साहब ने इसको दिल और आत्मा बोला। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32, जिसको आप लोग बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, उसको हर्ट एंड सोल बोला था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर के एम मुंशी इज राइट आंसर, और ये आपको मैं पीडीएफ में आपको अपडेटेड होनी चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक गैस, इनमें से कौन सी इनऑर्गेनिक गैस नहीं है, मींस वो ऑर्गेनिक गैस है। क्वेश्चन को पढ़ना भी सीखिए, इसीलिए ये आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे एलिमिनेट करना है। टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर। तो चौधरी साहब क्या लग रहा है, चौधरी साहब को लग रहा है कि सर होना चाहिए के एम मुंशी, इसके पहले वाले क्वेश्चन का, बिल्कुल सही है। गुंजन एके क्या लग रहा है तुमको? हाँ, नरेंद्र सैनी ने बोला है कि भाई लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सभी को सिलेक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पर जनता बोले सर CH4 जिसमें होते हैं हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं मेथेन गैस, ठीक है। अमोनिया की बात करें तो NH3 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो H2S होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमने यहाँ पर बात की थी मेथेन गैस की, जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं वही तो ऑर्गेनिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ जो शायद आपके लिए काम की हो। सबसे पहले अमोनिया को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग हैबर प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कैटलिस्ट आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं इन कम प्रेशर में, तो बनता है हमारा क्या, अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के लिए किप्स ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, किप्स ऑपरेटर्स, कई सारे ऑपरेटर्स को मिला करके बनाया जाता है। इसकी जो गंध होती है जैसे सड़े अंडे की बदबू होती है, उस तरीके से होती है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों यहां पर रिवाइज करा दिए। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ईयर, पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, दैट इज 1873, 1891, 1881 या 1885, क्या होना चाहिए सही जवाब। पहली पूर्ण जनगणना की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारी पहली बार जो जनगणना की गई, लेकिन वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो हमारी जो जनगणनाएं हैं वो 1865 से लेकर के 1872 तक कोशिश की गई, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। लेकिन पहली बार जो कंप्लीट सेंसस हुई वो 1881 में हुई, 1881 में हुई, दैट इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, लॉर्ड रिपन के समय में ये हमारी हुई थी। तो यहां पे सही जवाब है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, लॉर्ड रिपन ने इसको कराया था, बट 1872 में वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये आपको याद रखना है, अगर यहां पर कंप्लीट नहीं लेके सिर्फ पूछता कि पहली कब हुई थी तो आप 1872 बोल देते लॉर्ड मेयो के समय। आगे चलते हैं और आपसे पूछने वाला है हु मेड द पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध इन द रीजन और एंड क्रिएटेड स्मॉल फोर्ट हेयर। पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया और एक छोटा सा किला बनाया था, दैट इज बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक, क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देने वाले हैं। मुझे लगता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को किसने किला बनाया, पाटलिपुत्र को किसने बसाया, ठीक है। जैन धर्म को वो मानने वाले थे और उसको कैपिटल बनाए थे, तो उनका नाम था नन अदर देन हर्यक वंश के तीसरे नंबर के जो किंग थे, दैट इज उदयन। उदयन की तरफ जितने लोग बोलने वाले हैं वो सही है, तो उदयन इज द रूलर हु मेक पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ
हार्जियाक एम्पायर। आगे चलते हैं और आगे आपको बताना है मिल जेंडनिक हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फुटबॉल इन जुलाई 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का जब भी आता है तो याद रखिएगा वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं माइल जेंडनिक की, वो कौन से हमारे कंट्री से खेलते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चिली या अर्जेंटीना। क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब, देखते हैं कितने लोग फुटबॉल में रुचि रखते हो या ना रखते हो, बट पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर सही जवाब की बात करें तो मुझे लगता है ये काफी कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि ज्यादा ये फुटबॉल प्लेइंग नेशन नहीं है, बट इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि ज्यादा फुटबॉल प्लेइंग नेशन नहीं है, यहाँ रग्बी ज्यादा खेला जाता है और क्रिकेट के बेताज बादशाह दैट इज नन अदर देन द ओसीज, जिनको हम लोग ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, कैंगरूज बोलते हैं, ये सही जवाब है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज नोन एज, अभी मैंने कल ही एनटीपीसी के जो बैच है उसमें किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, और देखिए क्वेश्चन आ गया, तो क्या बोलते हैं आउटर लेयर को, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस या ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं। कल ही मैंने स्केटरी सिस्टम पढ़ाया है तो भैया जनता जल्दी से ठोक दे सही जवाब क्या होना चाहिए। तो यहां पर कुणाल को लग रहा है कि सर होना चाहिए, आशा को लग रहा है कि सर होना चाहिए, अरुण को लग रहा है कि सर कॉर्टेक्स होना चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट वाले का भी जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर वन, और सेम प्रियंका यहां पर सही जवाब है, तो रीनल कॉर्टेक्स प्रियंका के बैच में मैंने पढ़ाया था, त्रिशु के बैच में पढ़ाया था, तो रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर हम यहां पर जाएंगे, दैट इज द राइट आंसर। जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है, ये पूरी की पूरी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपसे क्या पूछने वाला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोबेल 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड द फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज इज गिवन, पहली बार 2020 में वुमेन्स ने, सॉरी नोबेल पुरस्कार 2020 के संदर्भ के इतिहास में पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्णतः महिलाएं थी, सारी की सारी महिलाएं थी, दैट इज फिजिक्स, दैट इज फिजियोलॉजी या केमिस्ट्री या आपका इकोनॉमिक्स, सारी की सारी वुमेन्स थी। इजी क्वेश्चन हो गया अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। तो इस बार के हमने देखा था जो केमिस्ट्री का नोबेल था वो हमारी एमलन चैप्रियर एंड जेफिनर ए डोनाना को मिला, जिन्होंने जो है वो कुछ CISPR 16 या C19 को कुछ रिएक्शन के ऊपर काम किया था। तो इमैनुअल एंड जेनिफर, ये दोनों को मिला और ये दोनों महिलाएं थी, पहली बार दोनों जो है वो फीमेल कैंडिडेट, मतलब एक से ज्यादा लोगों को मिला और दोनों सारे के सारे फीमेल थे, ये नोबेल प्राइज में फीमेल के लिए पहली बार हुआ है। तो यहां पर सही जवाब है हमारा केमिस्ट्री इज राइट आंसर। तो नोबेल पुरस्कार से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो यहां पर था, तो जेनिफर और आपके इमैनुअल जो दोनों फीमेल थी। अभी आपको बताना है जनवरी 2020 यूएन होम मिनिस्टर रिलीज अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ, ये किसने रिलीज की, सॉरी ये किसकी लाइफ पर है, सॉरी ये किसकी लाइफ पर है, दैट इज मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या पीएम नरेंद्र मोदी। कर्म योद्धा, कई बार ये क्वेश्चन हमने देखा है अलग अलग मॉक में, हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए, तो क्या हमें टिक करना चाहिए। यूनियन होम मिनिस्टर मतलब हमारे अमित शाह जी ने इस बुक को रिलीज किया था, और ये नरेंद्र मोदी जी के लाइफ पर है, तो किस तरीके से उन्होंने अपनी अचीवमेंट हासिल की है वो यहाँ पर है, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए दैट इज नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं शिवम त्रिपाठी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीवान ए कोही डिपार्टमेंट, जो कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो दीवान ए बदगान हो, ठीक है, वो आपका दीवान ए कोही हो, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, दारुल सफा हो, पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तुगलक गयासुद्दीन थे, मोहम्मद तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे या बलबन थे, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि हमारे
जिन्होंने हमारे दीवाने को ही डिपार्टमेंट को ऐड किया, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और एग्रीकल्चर में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको हम लोग बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्टार्टिंग की और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग इतने सारे बलबन बलबन की तरफ जा रहे हैं, दीवाने को ही एक एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए डिपार्टमेंट था, उसमें भी इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए विभाग था, दैट इज एस्टेब्लिश बाई मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बदगान, ठीक है, आपका दारुल सफा, ठीक है, दारुल सफा, इसके अलावा उसने जो है वो कई सारे दीवाने, खैरात, ये सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। बलबन ने जो है वो अपने लिए एक बनाया था, दैट इज दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज ये बलबन ने बनाया था। तो भाई यार गलतियां कहां पर हो रही हैं, हिस्ट्री में इतने इजी क्वेश्चन गलत करके आओगे तो याद रखना एक क्वेश्चन लाखों रैंक पीछे लेकर के आया जाएगा। तो पता नहीं गलतियां कहां पर हो रही हैं, चीजों को, हिस्ट्री को रिवाइज करिए। टाइम पता नहीं 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ये रिवाइज करिए हिस्ट्री को, जो हमने आपको नोट्स बनाया या आपने किसी भी अपने फैकल्टी से पढ़ा हुआ है, कोई भी एजुकेटर से पढ़ा हुआ है, उसके नोट्स को रिवाइज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आप लाखों स्टूडेंट से पीछे चले गए, लाखों स्टूडेंट से। आपको पता है इस वक्त कितने लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वार्निंग है, ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब है बहुत पीछे जाना। अभी आपको बताना है कि प्लांट किंगडम में इनमें से किसको हम लोग एमिफीबियन ग्रुप में रखते हैं, एमिफीबियन मतलब उभयचर, दैट इज बायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। हाँ, लोह और आयरन की नीति जो है वो बलबन ने बनाया था। हम यहाँ पर पूछने वाले हैं एमिफीबियन ग्रुप जो है वो किसने, किसको बोला जाता है। तो देखिए हमारे जो प्लांट किंगडम होता है, जो हमारे पौधा पादप ग्रुप होता है, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स जिसको अपुष्पीय पौधे बोलते हैं, और दूसरे होते हैं फेनोरोगेम्स जिसको हम लोग फ्लवरिस प्लांट बोलते हैं। इसमें हमारे तीन तरीके के प्लांट आते हैं, दैट इज थैलोफाइटा, दैट इज बायोफाइटा एंड थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट होता है। इसमें हमारे फंगस एंड एल्गीज आते हैं। इसमें हमारा आता है जो कि नमी वाली जगहों पर उगते हैं और जो हमारे लैंड पर भी उगते हैं, जिनको हम लोग उभयचर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है मॉसेस। मॉसेस इज द एग्जांपल ऑफ बायोफाइटा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है कई बार कराया हुआ है, दैट इज ब्रायोफाइटा, है ना वीर सिंह। चलिए कीर्ति बिल्कुल सही है, दैट इज आपका बायोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें डेवलप नहीं होते हैं और मतलब पत्तियां फूल ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों क्रिप्टोगेंस फैमिली के हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाएंगे और ना ही फूल पाए जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आता है इन टेनिस हु क्लिंच द 8th एटीपी टाइटल इन नवंबर 2020, नवंबर 2020 में इनमें से किसने 8वां एटीपी टाइटल जीता, दैट इज डेनियल मेदेव, दैट इज अलेक्जेंडर जेरेव, दैट इज कारेन खानाओ खाचानेव, दैट इज खानाचेव, उसके बाद से मारात सफीन, किसने इस बार जीता है, दैट इज अभी का ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे टेनिस से रिलेटेड। मैं बार बार बोलता हूं स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशा इज सेइंग इस वन, प्रियंका इज सेइंग वन, अनिल इज सेइंग इस मदेव। तो यहां पर जनता जो एक नंबर बोल रही है वो बिल्कुल सही है, डेनियल मेदेव ये इस बार के जो है वो अपना 8th ATP टाइटल जीता, ये ऑल ओवर में 5वें नंबर पे हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, पेरिस मास्टर्स का खिताब इस बार इन्होंने ही जीता था। अभी आपको बताना है कि हु विन द 13th फ्रेंच ओपन अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 में फ्रेंच ओपन टाइटल किसने जीता, दैट इज रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या वापस से अलेक्जेंडर जेरेव होना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब कौन है, कौन है वो बिग स्टार जिसने धमाका कर रखा हुआ है, तो उसका ये 100 मतलब सेंचुरी मार चुके हैं वो जीत में, और फ्रेंच ओपन के तो बादशाह है, ठीक है, रोनल्ड गॉर्स जो बोला जाता है बजरी की फील्ड, उसके ये बादशाह है। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, राफेल नडाल। 2005 से जो इनका रोनाल्ड आपकी गारोस फील्ड होती है उसमें सिर्फ दो ही बार ये डिफीट खाए हैं, मतलब बजरी के फील्ड के ये बेताज बादशाह हैं, दैट इज नन अदर देन स्पेन के राफेल नडाल, इस ऑप्शन नंबर 2।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है हु डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, किसने बताया था। दैट इज ऑप्शन है आपके सामने माइकल फेराडे, एस सी अर्नेस्ट जोसेफ हेनरी या विलियम स्ट्रंजन। क्या होना चाहिए यहां पर सही जवाब, किसने रिलेशन बताया था ठीक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। मुझे मालूम है यहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में जो रिलेशन बताने वाले थे उनका नाम फैराडे नहीं था, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्स के बारे में बताया था, जबकि यह रिलेशन जो है वो हमारे क्रिश्चियन ऑस्टेंड ने बताया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, याद रखिएगा एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था और जो फैराडे करके आए थे वो जवाब गलत हो गया था ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज करने वाले थे स्ट्रॉन्जन्स, स्ट्रॉन्जन्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खोज की थी। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खोज किसने की थी, जो हमारे जो आप लोग देखते हो कि धारावाही प्रणालिका जिसको बोलते हैं सोलेनाइड्स बोलते हैं वो स्ट्रॉन्जन्स थे। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म इनके बीच में रिलेशन बताने वाले थे और आपके क्रिश्चियन ऑस्टेंड, और उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि हमारे माइकल फैराडे जो थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्स के बारे में बताया था। एज इट इज यही क्वेश्चन पूछेगा और आपको यहां पर जवाब देना होगा बिल्कुल सही, 2 नंबर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताना है अशोक ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग द, अशोक ने किसके प्रचार को अपने साम्राज्य के साथ किया था, मतलब कौन सी चीज को उन्होंने बुद्ध के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने कई बार देखा है और उन्होंने एक बुक भी लिखी उनके शासनकाल में, तो दैट इज बेलुक चिकोदा धुना या धम्म। भाई इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत होता है, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक होता है, इतना तो यार पता ही होता है पंकज यार है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब चुंबक के बीच में किसका संबंध होता है। अब ये तो बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 धम्मा धम्मा धम्मा, और बुक लिखी गई थी अभिधम्म पिटिक। आगे चलते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द DPSP ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। बहुत ध्यान से सुन के बताइएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इक्वल जस्टिस फॉर एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय एंड मुफ्त कानूनी सलाह, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत या राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए जो आपके आर्टिकल 36 से 51 36 से 51 तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसको बाद में लाया गया कानून के थ्रू जो कि है हमारा RTI एक्ट जो 2002 में जिसको लाया गया और 2005 में इसको पारित किया गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002 एंड इसको हमारे 2005 में पास करके गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, तो RTI एक्ट 2005 ये हमारे DPSPs में नहीं है। DPSPs हमने आयरलैंड से एक्वायर किया है, सभी को पता होना चाहिए। पार्ट नंबर कौन सा है, तो पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। मैंने आपको हर एक आर्टिकल के बारे में बताया कि कहाँ पर पंचायत लिखी हुई है, कहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, कहाँ पर फ्री एंड जस्टिस लीगल एड है, सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अभी आपको बताना है इनमें से कौन सा सहायक नीतियाँ एक्लरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, आर्टिकल 140, आर्टिकल 150, आर्टिकल 138 या आर्टिकल 143। तो याद रखिएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे एग्जाम में जो है वो आपको पार्ट 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में परेशान हो जाएंगे। तो यहां पर सोनू बोल रहे हैं सर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, 2005 में RTI आर्टिकल, देखिए जो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और पार्ट में नहीं है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो हमारी कैसी, वो हमारी लीगल बॉडी, वो कानूनन आपकी बॉडी होगी
या सेट्यूटरी बॉडी होगी या हमारी वैधानिक बॉडी होगी, जो हमारे किसी आर्टिकल या पार्ट में है, सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जनता बोल रही है कि सर ए बी मतलब इतना कंफ्यूजन कैसे है? तो हमारी जो एक्लरी पावर्स हैं वो आती हैं आपके किस में? तो वो आती हैं आपके आर्टिकल नंबर 140 में। याद रखिएगा 140 यहाँ पर सही जवाब है। 150 जिन लोगों को लग रहा था हम अगर बता दें तो वो राज्यों और सेंटर के बीच में जो अकाउंटिंग का है, मतलब किस तरीके से अकाउंट रखा जाएगा, वो आता है आर्टिकल नंबर 138 में। ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियां हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, जबकि आर्टिकल 143 में ये बताया गया है कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, जो कि इस बार के हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था, लेकिन वो SSC का एग्जाम था। तो ये होना चाहिए प्रेसिडेंट को सलाह लेने का अधिकार, लेकिन एक्लरी पावर्स जो है सहायक नीतियां 140 में। भैया इतनी गलतियां मत करो। चलिए आगे चलते हैं और हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट CAG इन इंडिया, दैट इज RK माथुर, सुभाष चंद्र गर्ग, GC मरांबू या सत्यपाल मलिक? जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए जितने भी हमारी संवैधानिक पोस्ट हैं वो हमारे एग्जाम में पूछता है, उसी में से है हमारी कौन सी अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 148 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमारे देश के अटॉर्नी जनरल की जो रिटायरमेंट एज है वो 6 ईयर्स के बाद, या अगर उनकी एज 65 हो गई तो उसके पहले भी रिटायर हो सकते हैं। तो 1985 में के IAS जो अलग अलग पोस्ट पर इंडिया में रह चुके हैं, इस बार उनको हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनने का मौका मिला, जो कि हमारे देश में गवर्नमेंट के पैसों को, अकाउंट को ऑडिट करता है कि उन्होंने कहां पर पैसा खर्च किया, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं द गार्डियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पब्लिक पर्स। हमारी जो पर्स है उसकी गार्डियन है CAG, और इसीलिए मैंने आपको पीछे 150 में बताया था कि ये हमारे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट को परख सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब था GC मरांबू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे क्या पूछने वाला है। हु ऑथर्ड द हैप्पीनेस ऑल अराउंड, याद रखिएगा बुक जरूर पूछेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब आपको बुक अच्छे से करना चाहिए। देखते हैं कौन यहाँ पर गलत करने वाला है, अरुंधति राय, चेतन भगत, अभिजीत गुप्ता या नन ऑफ अबव। तो मैं यहां पर देखने वाला हूं कौन बताने वाला है यहां पर गलत। यहां पे आशा बोलेंगे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। यहां पर जनता बोली है कि सर होना चाहिए, सपना को लग रहा है सर 4 होना चाहिए, कैंडी को लग रहा है 4 होना चाहिए, ज्योति को लग रहा है कि 1 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं लग रहा है प्रियंका तुमको। भैया यहां पर अगर हम लोग देखें कि हमारे कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और सिया राम शरण गुप्त की जो पोती हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ बच्चन रखा था, उनका नाम मैथिली शरण गुप्त था, उनकी पोती जिनका नाम है अभिजीता गुप्त, यहाँ पर अभिजीत गुप्त लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं हिंदी में अभिजीता गुप्त, इनको ये बुक लिखने का श्रेय मिला। तो ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों को पता होगा जो नेचर के ऊपर बहुत सारी पोयम्स लिखते थे मैथिली शरण गुप्त, दैट इज द राइट आंसर। तो ये सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैंने बताया कि इनका जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा इंडियन लिटरेचर का एक बहुत बड़ा परिवार है मैथिली शरण गुप्त का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है अजय वॉरियर जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, दैट इज इन सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश या यूनाइटेड किंगडम। अजय वॉरियर, जिसको कोई हरा ना सके उसको बोलते हैं अजय। आपको बताना है ये जो है वो किसके बीच में हुई। अभी हम लोग अगर बात करें तो यहां पर हमारे 13 से लेकर के 26 फरवरी तक ये हमारी वॉर एक्सरसाइज चली थी, 13 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2020 तक। किसी को नहीं पता था कि आने वाला साल पूरी तरीके से सबको लॉकडाउन करने वाला है। हम यूनाइटेड किंगडम के साथ ये एक्सरसाइज कर रहे थे हमारी सेलसरेबरी फील्ड में। सेलसरेबरी फील्ड में हमारे यहाँ के 120 जो बहुत ही प्रचंड सोल्जर्स थे, जिन्होंने बहुत
जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी उनको भेजा गया सेल्सरी फील्ड यूनाइटेड किंगडम में, और वहां पर जाकर के उन्होंने ये अजेय वॉरियर एक्सरसाइज की। दैट इज 4 नंबर इज राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल जोशी साहब, हैंड इन हैंड श्रीलंका, आपको याद होना चाहिए। इंदिरा गार्डियन कौन करता है, कहां पर करते हैं, सूरज मैत्री किसके साथ करते हैं, सूर्य मित्र किसके साथ करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। आगे चलते हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी एक महारत्ना कंपनी नहीं है, हमारे देश की जो महारत्ना कंपनी है उनमें से कौन सी नहीं है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या ये सभी है, क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब। तो हमारे देश में 10 महारत्ना कंपनीज हैं, जिनका 10 महारत्ना कंपनीज हैं, ये पब्लिक सेक्टर PSUs हैं, और अगर हम लोग देखें तो 16 नौरत्ना कंपनीज हैं, 16 नौरत्ना और 10 महारत्ना कंपनीज, उनमें हमारी जो आती है BHEL जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बाद कोल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद से NTPC वो थर्मल पावर वाली है, उसके बाद से ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको आप लोग सेल बोलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपने यहाँ पर देखा, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, एंड लास्ट में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको हम लोग BPCL बोलते हैं। तो इस तरीके से 10 कंपनियां हैं और 16 नौरत्ना कंपनियां हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी के सभी जवाब हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जाते हैं अनीसा क्या पूछने वाला है एक बार देखते हैं। आपको बताना है बुकर प्राइज 2020 वन बाई डगलस स्टुअर्ट फॉर हिज डेब्यू नॉवल, इनमें से बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले कौन से उपन्यास के लिए जीता था, दैट इज गर्ल इन अ वाइट कॉटन, द शैडोज किंग, द मॉर्न बेबी, द सगी ब्रेन्स, क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब। मिश्रा जी चला सोच करके अच्छे से जवाब दीजिए कि बुकर प्राइज किसने जीता था, स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट ने किस लिए जीता था। यहां पर जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर RF, बिल्कुल सही है आशा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सगी ब्रेन्स इज राइट आंसर। तो जो आप लोग गर्ल इन व्हाइट कॉटन बता रहे हो, दिस इज रिटन बाय बर्न सुगर ने इस बुक को पब्लिश किया था, कंपनी है, तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए आपकी, हाँ, सगी ब्रेन्स। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुकर प्राइज अपने डेब्यू में ही जीत गए, तो तुम में से भी बहुत सारे लोगों का डेब्यू NTPC का एग्जाम है, तो डेब्यू में ही सेंचुरी मार दो, सिलेक्शन ले लो। आपको बताना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर फिलिंग द ब्लैंक्स व्हेन इट फ्रीजेस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम टेम्परेचर कर रहे हैं, डेंसिटी क्या होगी। अगर किसी का गलत हुआ तो याद रखना रखी हुई है ना, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या कोई ऑप्शन नहीं सही है, कुछ और ही लग रहा है यहां पर। तो हमारे हम बार बार चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये बताते हुए थक गए कि हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी हाईएस्ट होती है, इससे कम करोगे या ज्यादा करोगे, ये हमेशा डिक्रीज करेगी। पंकज कहां से इंक्रीज, मिश्रा जी, संतोष कुमार दास है ना, और जितने लोग इंक्रीज बोल रहे हैं, विश्वदीत है ना, और किसने बोला था, कर्माकर, पढ़ाते पढ़ाते जो है वो थक गए, और कौन है यहाँ पे गलत बोलने वालों को सिर्फ देख रहे हैं, प्रीति, गलत नहीं करना है भाई, ये क्वेश्चन पूछ पूछ कर रेलवे थक गया और हम इसको पढ़ा पढ़ा के थक गए कि 4 डिग्री पर हाइएस्ट होती है, 4 डिग्री पर डेंसिटी हाईएस्ट है, तो इससे तुम कम करोगे या ज्यादा करोगे, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, जब हाई पॉइंट पर कोई है तो वो नीचे ही आएगा ना, तो डिक्रीज करेगी, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए भाई, कैसे कहां पर दिमाग रख रहे हो, कितनी बार ये क्वेश्चन कराया हुआ, दैट्स वेरी बैड। अभी आपको बताना है कि इनमें से किसको स्ट्रेंजर्स गैस बोलते हैं, दैट इज नियॉन, हीलियम, ज़ेनॉन या आर्गन, क्या होना चाहिए यहां पर सही जवाब। मिस्टेक का गुंजाइश नहीं है एग्जाम, मैं बोल तो रहा हूँ मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है, मिस्टेक करोगे तो फिर गलतियां सुधारने का वक्त नहीं रहता है। चलिए, आयतन बढ़ता है, बिल्कुल सही है श्लोक, कोई बात नहीं, सीखो, गलतियां जो कर रहे हो उसे सीखो। यहां पर जनता बोल रही है कि सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ज़ेनॉन की तरफ, ज़ेनॉन 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 ही होना चाहिए है ना,
आसा चार नंबर नहीं होना चाहिए, दैट इज जेनॉन इज राइट आंसर। तो यहां पर ये सही जवाब है जेनॉन। ठीक है, आपको याद रखना है नियॉन गैस का इस्तेमाल हम लोग जो है जब कोहरा पड़ता है, जब फॉगिंग सीजन आता है, तो उस सीजन में नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम का इस्तेमाल जो हमारे गोताखोर या हमारे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं उसके वेट को कम करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं, जो हमारे सी ड्राइवर्स होते हैं या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं। ऑर्गन गैस एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा होती है ऑर्गन गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे क्या पूछने वाला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, दैट इज आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड या नाइट्रेट, क्या होना चाहिए यहां पे सही जवाब। देखो अनीसा, सबसे पहले अपने वीक पॉइंट जो है वो नोट करो कि भाई यहां पर ये मेरा वीक पॉइंट है। अब उसके ऊपर जो थ्योरीज हैं उसको पढ़ना शुरू करो। तो यहां पर सबसे एक्यूरेट जवाब है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसा हमारा डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन बच्चों में ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन को लेकर के जाने लगता है, नाइट्रोजन को लेकर जाने लगता है, जिससे जो बच्चे हैं वो ब्लू कलर, उनकी बॉडी ब्लू होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी से बॉडी ब्लू होने लगेगी। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके जाने लगता है। दिस डिजीज इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये नाइट्रेट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी आपको बताना है नॉन्ग क्रेम जो डांस फेस्टिवल है 2019 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ये कौन से स्टेट का डांस फेस्टिवल है, दैट इज इन मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा, कहाँ पर ये नोग क्रेम फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा 2019। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2019 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, करंट और जीके वीक है, क्या करना है, करंट की 2020 की एक ईयरली बुक खरीद लो, बार बार बोल चुका हूं, ईयरली बुक ले लो कोई जिसमें सारे के सारे की पॉइंट हो, हाइलाइटर से हाइलाइट करो 2019 और 20 दोनों के, ले लो बुक स्टॉल से जा करके, बुक स्टॉल में ही 2019 की मिलेगी। तो खासी, गारो खासी जयंतिया के लोग इसको मनाते हैं, और ये है हमारे मेघ के घर मेघालय में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज कॉल्ड हीट एनर्जी वेव्स, क्वेश्चन ये मैं एक बार करवा चुका हूं, इंफ्रारेड, रेडियो, यूवी वेव्स, माइक्रोवेव्स, क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब, किसको हम लोग जो है वो बोलते हैं कि ये हीट एनर्जी है। तो यहां पर अगर हम देखें सही जवाब क्या होना चाहिए, तो सही जवाब है दैट इज इंफ्रारेड रेज। ये हमारी जो है ये रेड होने की वजह से ये हमारी कैसी हो जाती है, हीट वेव्स बोली जाती है। तो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर, इंफ्रारेड कौन से नंबर पे है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, रेड की वजह से इंफ्रारेड होती है। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है जल्दी से देख लेते हैं। आपको बताना है इनमें से गुवाहाटी जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या आपका बोल सकते हैं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा भोज या सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या होना चाहिए सही जवाब। तो किस हम इनमें से क्या बोलेंगे, तो आशा सिंह सर इस ऑप्शन नंबर नरेंद्र इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन का तो हो सकता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब है दैट इज लोकप्रिय के नाम से जिनको जानते थे, दैट इज गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार का है, अंडमान एंड निकोबार। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज बिलोंग टू द जिसको हम लोग देखते हैं कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल, भोज से बना भोपाल, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल दैट इज अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको ये याद रखना है अहमदाबाद, देन उसके बाद से हमारा भोपाल, ये गुवाहाटी और ये अहमदाबाद, सॉरी अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पे दो नंबर इज राइट आंसर।
आपको बताना है द फेमस लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी। लिंगराज टेम्पल जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हमारे 11th सेंचुरी में, मतलब देखा जाए तो ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 11th सेंचुरी में बनाया गया। इसको हमारे जो राजा थे जिनका नाम था सोमवंशी राजा थे जिनका नाम था राजा जजाति केसरी, जजाति केसरी ने इस टेम्पल को बनवाया था। और ये भगवान शिव को समर्पित है अर्चना, भगवान शिव को समर्पित ये हमारा जो टेम्पल है, उड़ीसा की कैपिटल जिसको हम लोग भुवनेश्वर बोलते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, दैट इज बिल्ड बाय राजा जजाति केसरी, जजाति केसरी ने इनको बनाया था। तो यहाँ पे सही जवाब है दैट इज भुवनेश्वर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है अ फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज बाइसेक्सुअल, दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर, एस्टिमिनेट फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों नर और मादा दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ऐसे हमारे फ्लावर्स को क्या बोला जाता है? तो इनको हम लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि क्वेश्चन में तुम लोगों को दिक्कत होने वाली है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सही जवाब है जिसमें दोनों होते हैं, जिसमें हमारे फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। सिर्फ अगर फीमेल पार्ट होता तो उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, सिर्फ फीमेल पार्ट होता। अगर सिर्फ मेल पार्ट होता तो हम लोग बोलते स्नेट फ्लावर पुंकेसर में, तो ये सिर्फ फीमेल पार्ट पूछता तो आप इसके ऊपर टिक कर देते, अगर सिर्फ मेल पार्ट पूछता तो आप इसके ऊपर टिक कर देते, अगर दोनों है तो यू कैन से ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, ये फोर्थ नंबर वाला होता ही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच गैस इज मोस्ट एविडेंटली प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फियर, अर्थ के एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, दैट इज हीलियम, नियॉन, ज़ीनॉन या आर्गन, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर हमको पता है सबसे ज्यादा पाई जाती है 78% नाइट्रोजन, उसके बाद से 21% दैट इज ऑक्सीजन, देन उसके पास से 0.9% दैट इज ऑर्गन, देन उसके पास से 0.004% दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस बोलते हैं, इसको बढ़ाओगे गर्मी बढ़ेगी, तो ऑर्गन यहां पर सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ग्रेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आपको बताना है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो कि हमारे लैमेरिया नामक जो सवाल होता है, दैट इज एल्गी से ये हमारी बनती है, और कौन सी एल्गी, लैमेरिया, जो कि हमारे सी से मिलती है, समुद्र से मिलने वाली एल्गीज है, जो हमारे 7th ए फैमिली में आता है आयोडीन, 17वां ग्रुप, इनको हाइलोजन्स भी बोलते हैं, हाइलोजन्स, ठीक है, क्योंकि इनके ग्रुप में सबके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, इनको हैलोजन्स बोलते हैं, सही जवाब है 53 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है ब्लड ग्रुप की खोज, वापस से एनटीपीसी 3.0 में ये हमारा आज का प्रश्न था कि हमारा जो है एनटीपीसी का जो हमारा 3.0 का बैच था उसमें आज हमने ब्लड ही तो पढ़ाया हुआ है, और बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, मेंडल, दैट इज फ्रांसिस नेल्सन, अरिस्टोल्स या आपके लैंड स्टीनर, क्या होना चाहिए यहां पे सही जवाब, कुणाल क्या लग रहा है तुमको? तो यहां पे अगर उन्होंने सही जवाब की बात करें तो नोबेल प्राइज 1930 में इसी चीज के लिए इनको मिला था, एक मेडिकल की साइंस में तूफान मचाने वाले तूफानी बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर, वीनर के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और खोज दिए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, बाद में ए बी ग्रुप को भी खोज लिया गया, साथ ही साथ इन्होंने रिसर्च फैक्टर के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे सही जवाब है कार्ल लैंड स्टीनर। अगर मैं पूछता जेनेटिक मतलब जो हेरिडिटी है अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, ये ऑस्ट्रिया के थे और इन्होंने मटर के पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये कुछ चीजें एडिशनल है जो आपको याद रखनी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछने वाला है, हमारे चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, स्केलेटन सिस्टम बार बार पढ़ाते हैं,
हमने बताया पूरे स्कल में, यहां से लेकर के यहां तक पूरे स्कल में जो है वो हमारी होती है 29 बोन्स। हमारे जो ये हेड होता है जिसको हम लोग क्रेनियल बॉक्स बोलते हैं, इसमें 8 बोन होती हैं, 6 होती हैं हमारे ईयर्स में, एक में तीन, 6 ईयर्स में होती हैं। एक हमारी वॉयड बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिका, जो किसी भी हड्डी से कनेक्टेड नहीं होती है। अब उसके बाद से देखें तो 8, 6, 14, 1, 15, अब हमारी कितनी बची, तो अब हमारी बची 14 जो हमारे फेस में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी मैंडिबल, जो कि इनेमल से बनी होती है, जबड़े की हड्डी। ठीक है, तो याद रखना यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चेहरे पे होती हैं 14 हड्डियां, एक एक चीज बहुत बारीकी से बताई हुई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। जरा पढ़िए, इनमें से किसको खेल रत्न 2020 का अवार्ड दिया गया, जल्दी से बताइए। इनमें से किसको हमारे खेल रत्न का अवार्ड दिया गया? यहां पे सही जवाब है हमारे जो इस बार के खेल रत्न हैं, जिनको इस बार हमारे खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया, वो थे हमारे विग्नेश फोगट, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा और मरिप्पन थेंगवुल, जो कि हमारे पैरा ओलंपिक गेम्स खेलती हैं। मरिप्पन थेंगवुल, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, शायद सभी को पता है। मोनिका बत्रा टीटी खेलती हैं, विग्नेश फोगट जो है वो कुश्ती करती हैं, रसलिंग करती हैं, और एक और थी जिनका नाम था रानी रामपाल, जो कि हमारे हॉकी टीम की कैप्टन है। तो भैया याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 29 अगस्त जिस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस, उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है। और राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले को 25 लाख, जबकि अर्जुन अवार्डीज को दिया जाता है 15 लाख का पुरस्कार। 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, जिसका नाम आज के होमवर्क में है, कल उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज, आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, और बहुत सारी जो चीजें हैं आपको हमने बताई होंगी। तो मिलने वाले हैं अब आपसे राहुल सर, तो क्लास को मिस मत करिए, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राहुल सर के पिटारे में क्या है, वो आपको क्या बताने वाले हैं और क्या सिखाने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विथ अस। एक घंटे के बाद आपको अभिनव सर भी मिलेंगे, तो राहुल सर के पिटारे में क्या है वो खुद बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, और मिलेंगे कल शाम को 6 बजे मॉक टेस्ट नंबर 6 के साथ। मैं चाहता हूं सभी लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 40 तक हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड बाय बाय।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक। और अभी आप लोग लाइव हैं ही, ठीक है। क्लास को शुरू किया जाए जल्दी से, जो लोग जा चुके हो आ जाओ भाई, क्लास को शुरू कर दिया जाए, ठीक है। हाँ, कई सारे लोग आ भी चुके हो, जल्दी से बाकी लोग भी आ जाओ भाई, जिसे क्लास को शुरू किया जाए तुरंत। आपका मॉक टेस्ट का सेशन चल रहा था अभी तक, पंकज सर आपके साथ थे जीके के सेगमेंट को लेके, और अब हम रहेंगे आपके साथ अगले एक घंटे तक क्वांट के सेगमेंट को लेके, मैथ के सेगमेंट को लेके। इसके बाद आपको रीजनिंग वाले सर के साथ रहना है। तो अभी तक आपने जीएस का सेगमेंट देखा। अच्छा, जीके के सेगमेंट में आप लोगों को मजा बहुत आता होगा, क्योंकि उसमें पेन पेपर तो चलाना नहीं पड़ता है, कहीं भी ऐसे बैठे लेटे हो कर डालते हो। मैथ वाले में इस ठंडी में थोड़ी सी तकलीफ होती होगी, हाथ निकालना पड़ता होगा, फिर पेन से लिखना पड़ता होगा, पेन पेपर भी खोजना पड़ता होगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलो शुरू किया जाए ना सेशन को। पेन पेपर निकाल लियो ना आप लोग बाहर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। आज कम लोग दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों भाई? कुछ लोगों की तैयारी पूरी हो गई क्या एनटीपीसी की? चलिए, ज्योति जसवाल जी, नरेन जी हैं, कीर्ति सेठी हैं, गुंजन भारती हैं, आंचल रघुवंशी हैं, विक्टोरिया मंडल, बहुत सारे लोग हो भाई। शुरू कर दिया जाए, अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू कर दें भाई। बाकी लोग भी आओ भाई, थोड़ा जल्दी आओ, कुछ लोग बड़े पिछड़े हुए हैं अभी। और शेयर नहीं किए हो अभी तक सेशन को, तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, आपके काम की चीजें हैं। आपको भी पता है टेस्ट बुक आपके लिए इतना ज्यादा सपोर्टिव है एनटीपीसी एग्जाम के मामले में, कि आपको पहले टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड की गई फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको आपके इस चैनल पे हर दिन हम लोग मॉक करा रहे हैं 3-3 घंटे का, और ये एग्जाम तक चलने वाला है। तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा उम्मीद किया जाता है कि आप लोग भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, राइट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दें भाई जल्दी से। किसी का आंसर आ गया? 4200 कैंडी बॉय जी का, बाकी लोग भी। एबीसी ने 4-7-8 के रेशियो में स्टार्ट किया कोई बिजनेस, एक वर्ष के बाद ए अपना 50% बढ़ा देता है। एबीसी 4-7, एक वर्ष के बाद ए अपना निवेश 50% बढ़ा दिया, तो साल भर तक तो इतना ही रहा, 50% बढ़ाया तो अब 6 हो गया। सी अपना निवेश आधा कर देता है, एक साल तक इतना रहा, अब आधा करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दो वर्ष के बाद, टोटल 2 ईयर की बात हो रही, टोटल 2 ईयर की बात, बी ने तो छुआ ही नहीं, तो इसका तो 2 ही रहेगा। बी का हिस्सा बताओ भाई, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 14 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे रेशियो अगर हम सेट करें तो क्या बनेगा, 5-7-6 का, 5-7-12-6-18 का रेशियो, जिसमें से बी का हिस्सा देखें तो 7 पार्ट है, 7/18 कितने का, 14,400 का, 18 × 144 कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 5600, 4200 नहीं बेटा, 5600 आएगा, 5600 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करें अगला क्वेश्चन। आज कम लोग हो, विशाल भगत जी क्या हुआ, आप कल भी कहते सर हम जा रहे हैं, फिर आप गए भी नहीं, पूरा मॉक देके गए, आज भी मुझे पता है आप जाओगे नहीं, पूरा मॉक, पूरा जो है टेस्ट देके जाओगे। 8,250 रुपए की एक धनराशि 5 वर्षों में इतने का एसआई देती है, ब्याज की दर बताओ, इससे चिंटू क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। 5 वर्ष में इतना दिया तो 1 वर्ष में कितना देगा ये बताओ, 5 × 20 हो गया, 4 बचा आपके पास 47, 5 × 9 = 45, 2 बचा 25, 5 × 25 495 रुपए ईयरली, 800 रुपए था, इतना दे रहा है, 8 × 48 लगभग क्या हो जाएगा, 6%, या ये बोलो कि निश्चित रूप से 6% ब्याज होगा, क्लियर है?
आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या यहां तक मामला हो गया ना कीर्ति जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज लोगों की संख्या कम है, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा, बढ़नी चाहिए एग्जाम आ रहा है तो घटने लगे हो, अगर ये शुभ संकेत नहीं है। अ सम ऑफ रुपी इतना बिकम्स इतना इन टू इयर्स एट रेट ऑफ CI इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है, इतना था और इतना हो गया, जनरल गेस करें, बताओ अंदाजा लगाओ। तुक्का बहुत मारते हो ना आप लोग, इस बार मारो ना, कितना परसेंट बढ़ गया? 7700 हुआ, कितना हो गया? 7700 हुआ। तो 7700 का मतलब क्या हो गया? 10000 था, 17000 हुआ, लगभग 7700 मिला 2 साल में, तो 3800 के आसपास मिला होगा, 3800 के आसपास मिला होगा। एक मिनट रुको, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई 7700 का मतलब 38% हम कर सकते हैं, तो ये तो 30% के आसपास हो सकता है, क्योंकि 30 और दूसरे साल 39, तो 30 और 39 69 ही होगा, और 69 7000 ही हुआ ना, 7700, हाँ ठीक है, ठीक 30% आएगा, कितना आ जाएगा? 30%। गेस भी करोगे तब भी आराम से हो जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बेटा, फॉर्मूला नहीं लगाना है। इन एन इलेक्शन बिटवीन रवि एंड मनोज, रवि गेट्स 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। कोई इलेक्शन है रवि और मनोज के बीच में, रवि को मिला वैलिड वोट का कितना परसेंट? 61% टू टोटल वैलिड वोट। इफ द टोटल वोट्स वर इतना, टोटल 25,000 है एंड 20% द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 25,000 का 80% वैलिड हुआ, मतलब 20,000 वोट वैलिड है। देन द अदर कैंडिडेट मनोज, ठीक है, अदर इसको 61 मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 39%, कितने का? 20,000 का, 20,000 का 39%, 7800 आएगा, कितना आ जाएगा? 7800। देखिए फॉर्मूला और ना कुछ जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला किसे जरूरत है? नए बच्चों को, आप लोग नए थोड़े नहीं है, आप लोग तो इतने क्वेश्चन लगा चुके हो ना, आप तो क्या होना चाहिए, आप तो फिंगर्स पे होना चाहिए और आपके आंसर आपकी जबान पे होनी चाहिए, सेकेंड्स के अंदर लगने वाले। मनोज जीत जाता है, हाँ मनोज पाटिल जी जीत कहाँ गया, मनोज तो हार गया भाई, 39% ही पाया, लेकिन आप जीत जाओगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। नानू स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन मोबाइल, 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन शॉपिंग, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंड ऑन ऑनलाइन शॉपिंग एंड फूड इज इतना, ठीक है, तो अगर उसके पास 100 था, 20% सैलरी का वो किस पे खर्चा कर दिया? फूड पर, इस 100 में से 20 गया खाने पर, 10% ऑफ द रिमेनिंग, तो 80 बचा, 80 का 10 कितना हुआ? 8, किस पे? मोबाइल पर, मोबाइल पर 35% ऑफ द रिमेनिंग, भाई देखो 28 तो हो ही गया, 72% और बचा, 32% और बचा, इसका 35% निकालना है, तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। रिमेनिंग ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग, इफ द डिफरेंस इन द मनी स्पेंट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग एंड फूड, फूड के बीच में, ठीक है, इससे और ऑनलाइन शॉपिंग का, तो ऑनलाइन शॉपिंग का भाई ये तो थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल, 72% ऑफ 72 का 35% निकालें तो कितना आ जाएगा ये बताओ आप जल्दी से। ये कैसे करें, कैसे करें, 5 से करें, 7 बार लेके गए, 20 बार लेके गए, 4 से कर दें तो 5 बार चला जाएगा, और 4 से करेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 9 = 36, 126 बटे 5 अगर करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो गया आपका, 25 हो गया, 25.2% कितना है ऑनलाइन शॉपिंग पे? 25.2, दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 5.2% की वैल्यू आई, कितने की? 8,840 रुपए की टोटल सैलरी आप नानू मिस, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये 17 बार जा रहा होगा ना, 2 × 17 = 14 कितना आएगा? थर्ड ऑप्शन। अच्छा श्लोक जी बोल रहे हैं सर इतना तेज तो जो है जीके वाले सर भी नहीं करते हैं, तो चलो भैया अब हम धीमे करते हैं अपनी स्पीड को, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, रुको, रुके हैं, हमें एक ही चीज आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है, जानते हो क्या?
आप लोग अपनी स्पीड हमारी तरह बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप लोग हमारी स्पीड अपनी तरह घटाना चाहते हो, और ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अगर आपकी हम बातों को सुने तो एक दिन हम भी आप लोगों जैसे हो जाएंगे, धीरे 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 धीरे। अरुण केशव जी बिल्कुल भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बताओ आप लोग कितने सिंसियर स्टूडेंट हो, कितना सोचते हो मेरे बारे में, मेरी स्पीड भी अपने जैसा लाइक लेके आना चाहते हो ना। चलो ठीक है भैया, हम भी आप ही के जैसे हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो बीच में कहने लगते हैं, अरे सर रुको रुको सर रुको। ठीक है, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ कैलकुलेटर फॉर ₹900 इज इक्वल टू ट्वाइस टू टाइम्स द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑन सेलिंग इट। ठीक है, ₹900 में जो प्रॉफिट होता है वो लॉस के दो गुने के बराबर है जब इसे इक्वल टू टू टाइम्स द अमाउंट लॉस। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट जो है लॉस का दो गुना है, तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस देखें तो 600 आएगा। 600 को 1-2 के रेशियो में तोड़ोगे तो 200 होगा यहाँ पे लॉस, 400 होगा फायदा, 400 फायदा। ठीक है, तो 400 फायदा होने का मतलब ये सामान कितने का था, ₹300 में बेचा तो 200 का नुकसान, मतलब ₹500 का सामान था। 35% फायदे के लिए, तो 500 का 35% निकालोगे तो 35 पंचे कितना हो जाएगा, 3 पंचे 150, ₹175। 35% फायदे के लिए कितने का बेच दे, ₹675 का। देखो अब आंसर आया आप में से कई सारे लोगों को। त्रिशु त्रिपाठी जी बहुत है बेटा, 65 आ रहा है ना, 65 आ रहा है, बहुत है। बस अब इसी, ये कोशिश करना अगले जितने भी मॉक दो इससे एक भी नंबर गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी और कोशिश करो, थोड़ी सी और कोशिश करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा जरूर से, 4-6 मॉक के अंदर ही बढ़ जाएगा। बस ये है कि यहां से एफर्ट नहीं छोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करें। अ शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल्स, वन ऑफ देम विद अ प्रॉफिट ऑफ 10% फॉर 1100। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप लोग करो, इसे आप लोग करो। ठीक है, तो हम बताते हैं, पहले इसे आप लोग सॉल्व करो, आपको टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए पूरे पूरे 30 सेकेंड का। इस बार तो पूरा मौका मिला ना आप लोगों को क्वेश्चन करने का, कि इस बार भी शिकायत है किसी को कि सर नहीं टाइम दिए। ठीक है, बहुत अच्छा, आपस में ही लड़ाई कर लिया आप लोग, इतना आएगा नहीं, इतने की गारंटी है 100%। अ शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल्स वन ऑफ देम, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेचा जिसमें से एक को 10% के लाभ पर के साथ 1100 में और दूसरे को 10% हान के साथ 900 में बेचता, लाभ या हान। तो कुछ नहीं होगा भैया, 1100 10% लाभ, इसका मतलब इसका सीपी 1000 रहा होगा, 10% हान मतलब इसका भी सीपी 1000 रहा होगा, दोनों सामान मिला के 2000 के रहे होंगे, एक को 1100 में बेचा एक को 900 में, 2000 मिल गया, वो घर गया बिना प्रॉफिट लॉस कमाए, घर चला गया वापस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ स्लो क्रिएशन जी आ गए हो भाई।
समय ना मिले तो भी आप रोते हो, समय ज्यादा मिले तब भी आप लोग रोते हो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करें जल्दी से। अच्छा भाई, आप लोग भी बहुत बड़े कार्टून टाइप के लोग हो ना। सब्जी पकाने गए, अब 7 बजे कौन सब्जी खाता है। हाँ माना, हो सकता है, ठीक है, पक्का है आप में से कोई बहुत ही अनुभवी इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन अ पर्सन गोज टू, अच्छा, जब कोई व्यक्ति 10 की स्पीड से अपने घर से अपने कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट लेट हो जाता है, जब वो 15 की स्पीड से जाता है तो उसे 5 मिनट देरी होती है। ठीक है भाई, स्पीड पहले 10 था, अब 15 हो गया, स्पीड में रेशियो क्या हो गया, 2:3 का। तो टाइम, अगर स्पीड का रेशियो 2:3 होगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 का। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 का। 1:1 का डिफरेंस है, पहले 20 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट, 20 और 5 के बीच में 15 का अंतर है। 1:15 तो 3:45, 2:30, मतलब जब वो 15 की स्पीड से जाता है तो उसे 30 मिनट, मतलब आधे घंटे लगते हैं। 15 की स्पीड से आधे घंटे में कितना चले जाओगे, 7.5। कितना जाओगे, 7.5। समझ में आया, चलो नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला समझ में आएगा। दीपांकर विश्वास जी, किसको भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करें। एक ट्रेन 480 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड पोल को पार करने में लेती है, तो वह 10 सेकंड पोल को पार करने में लेती है, ठीक है, तो 24 सेकंड एक्स्ट्रा जो 24 सेकंड ले रही है वो इस 480 मीटर के लिए ले रही है, तो इस 480 मीटर के लिए वो 24 सेकंड जा रही है, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगा, ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड, तो वो ट्रेन उसी दिशा में 18 की स्पीड से दौड़ने, 18 है ना, 5/18 का 2 मीटर पर किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ने वाले आदमी को कितने देर में पार करेगी। ट्रेन की स्पीड 10 है और इसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में, तो 10 से ट्रेन जा रही है और 5 से आदमी जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 20 से ट्रेन और 5 से आदमी, तो सापेक्ष गति आई 15 मीटर पर सेकंड की, इसे पार करने में कितना लगेगा, पहले ट्रेन की तो लंबाई तो निकालो, ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की 10 सेकंड में पोल को क्रॉस कर जाती है, पोल को क्रॉस करने में ट्रेन उतनी जाएगी जितनी की ट्रेन की लंबाई है, 20 की स्पीड से 10 सेकंड में 200 जाएगी तो ट्रेन की लंबाई 200 है, और अगर ट्रेन आदमी को भी क्रॉस कर रही तो भी ट्रेन को 200 जाना पड़ेगा, 15 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, 200/15। क्या आया, 13.33, ठीक है, आज उतने लोग नहीं है इसलिए उतना नहीं मजा आ रहा जितना कल था, कल तो 250 से ज्यादा लोग थे, 250 प्लस थे, और आंसर ऐसे नहीं आ रहे थे, इतनी तेजी से आ रहे थे कि देखने में मजा आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ वड़बड़ हुआ है क्या। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसे लगाने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः x की वैल्यू 10 दी है, y की वैल्यू 4 दी है, a से b तक जाने वाली नाव एक नदी में बिंदु a पर वापस आ जाती है, ठीक है, a से b तक जाने वाली नाव a से b तक गई और फिर बिंदु a पर वापस आ जाती, a से b तक गई, b से वापस आई, कुल समय 20 घंटा लगा, तो ए और बी के बीच की दूरी भाई, जाएगा तो स्पीड 14 का होगा, आएगा तो स्पीड कितने का हो जाएगा, 6 का होगा,
तो दूरी कुछ ऐसा लेना जो 14 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम इस पे ट्राई करते हैं। 14 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लगेगा, 6 की स्पीड से आएगा तो 14, 6 और 14 मिला के 20। केवल एक ही ऑप्शन था, आंख बंद करके मार दो। टाइम स्पीड डिस्टेंस में वैसे भी एक अल्टरनेट आपके पास हमेशा रहता है, वो है क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करने का। ठीक है, श्लोक क्रिएशन कैसे हैं भाई? अच्छा नाम है आपका, बड़ा ही यूनिक सा नाम है लोकेश जी। अच्छा आप लोग तो अभी ऐप पर थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक टंकी में दो छेद हैं, पहला छेद अकेले टंकी को 15 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा अकेले टंकी को 10 मिनट में रिक्त कर सकता है। एक 15 मिनट में खाली कर सकता है, एक 10 मिनट में, पानी स्थिर ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन थोड़े नहीं है। ये इतना पढ़ाई के बाद अगर ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन लगे आपको तब तो फिर हद है। 5 यूनिट खाली करेंगे, 30 खाली करने में 6 मिनट का टाइम लगेगा। बिल्कुल होगी प्रीतम पांडे जी, नेक्स्ट वीक में लूंगा। पांडे जी एक दिन जिस दिन आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा था उस दिन हालांकि हमने 10-15 मिनट प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन उस दिन तो बस ऐसे ही टाइम था तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेता हूँ। एक दिन में प्रॉपर वे में कुछ क्वेश्चन के साथ आपके साथ प्लानिंग डिस्कस करूंगा, पॉसिबली नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, एग्जाम से पहले ही करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को बाद में रखना है, ये एनटीपीसी में आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को पहले रखना है। ठीक है, मतलब लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। रितिका जी क्या हुआ भाई? हो सकता है विक्टोरिया मंडल जी के अकेले एक काम को 20 दिनों में, एम अकेले 30 दिनों में, के और एम एक साथ प्रारंभ करते हैं, के काम के 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक है, के 20 दिन में, एम 30 दिन में, एलसीएम 60 कितना करेगा ये 3, ये कितना करेगा 2, दोनों ने एक साथ शुरू किया तो 5 काम पर डे करेंगे, 5 दिन तक हो गया, 5 दिन में 25 काम हो गया, कितना बचा 35। अब कौन चला गया? के चला गया, एम बचा। एम एक दिन में कितना कर रहा है 2, 35 करने में कितना लगेगा 35/2, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया है कर दो भाई। ठीक है, ऊपर वाले से डरो कम से कम। 3 व्यक्ति ए बी और सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते करते हैं जिसके लिए उन्हें 630 रुपए मिलते हैं। यदि ए बी सी की इफिशियंसी 2-3-5 के रेशियो में है, ए बी सी 2-3-5 के रेशियो में है, ठीक है, कितने दिन में? 9 दिन में। तो पहले टोटल वर्क निकालो, एक दिन में 5, 3, 8, 2, 10 काम करेंगे, 9 दिन में कितना कर देंगे टोटल 90 काम। तो ए की दैनिक आय बताइए, ए का बताओ भाई। ठीक है, तो टोटल, अच्छा इसमें निकालने की क्या जरूरत है, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, जो इनका इफिशियंसी का रेशियो होगा यही उसी रेशियो में पैसा पाएंगे। ये 10 यूनिट कर रहे हैं 630 रुपए में, तो एक यूनिट कितने का हो जाएगा? 10 यूनिट 600, एक यूनिट 63 रुपए का होगा, तो अगर हम ए का देखें तो 63 × 2 = 126 रुपए ए पाएगा। कितने दिनों में पा रहा है? 9 दिन में पा रहा है ए, 9 दिन में 126 रुपए पा रहा है, तो एक दिन में कितना पाएगा? 14 रुपए। कितना पाएगा? 14। 14 का टेबल याद है ना? अरे हेतल शर्मा जी दो बार लाइक नहीं करना भाई, नहीं तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा जैसे था। ठीक है, ये नहीं करना, एक बार लाइक करो हमेशा ऑड नंबर में, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 11 बार लाइक कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो। ठीक है, इवन नंबर में लाइक नहीं करना। चलो ये भी एक मैथ का क्वेश्चन बन सकता है, किसी दिन बना के दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से करने की कोशिश करें। दो बर्तनों में दूध और पानी 4:1:2:5 के अनुपात में है, तो इन मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाएं? 4:1, पहले में 4:1 है। यहीं पर एक क्वेश्चन और दूंगा आपके लिए मैं, 2:5। फाइनल क्या बनाना है? 1:1 बनाना है। क्या बनाना है? 1:1। तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, 5, 7, और 2 का लासा बताओ क्या होता है? 5, 7, और 2 का लासा 5×7=35, 2=70। 70 होगा तो ये 5 है, इसे 14 से करना पड़ेगा, ये 7 है, इसे 10 से करना पड़ेगा, ये 2 है, इसे 35 से।
यहाँ पे देखें तो 14 चौका ये 56 है, 10 दुनी ये 20 है, इधर 56 है इधर 20 है, और बीच में क्या आएगा 35 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 15 का आया, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 21 का आया। रेशियो क्या बना, 5:7 के रेशियो में मिला दो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15:21 का मतलब 5:7 का रेशियो। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन और दे दूं ना आपको, अकेला क्वेश्चन है, अच्छा नहीं लग रहा इस जगह पे। चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, एकदम चिंटू टाइप का क्वेश्चन, आप इसे लगा दोगे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इस बार मैं आपको दे रहा हूं। चलो बताओ, 28 रुपी के जी एक चावल है, 37 रुपी के जी एक चावल है, 51 रुपी के जी एक चावल है, और एक है आपके पास 60 रुपी पर के जी। इन सभी को, इन चारों को किस रेशियो में मिलाएं, इन चारों को किस रेशियो में मिलाएं जिससे जो हमें राइस मिले वो मिल जाए 54 रुपी के जी, 54 रुपए किलोग्राम। जल्दी से बताओ, चार तरह के चावल मैंने आपके सामने रखे, ठीक है, 28, 37, 51, 60, चारों को किस रेशियो में मिलाऊं जिससे 54 रुपये पर केजी वाला राइस मिल जाए, 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल आपको मिले। चलो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। इस क्वेश्चन के पास तो आपकी स्पीड थोड़ी सी जरूर से स्लो होगी, एक रुपए किलो फ्री वाला नहीं, ये फ्री वाला नहीं है भैया, कि पैसे वाला है। रामकृष्ण ही आस्किंग इंग्लिश, देर आर 4 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 28, 37, 51 एंड 60 रुपी पर केजी, इन विच रेशियो ऑल दीज टाइप ऑफ राइस शुड बी मिक्स टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 54 रुपी पर केजी। सबसे आसान, सोनू कुमार जी भूल गए, बहुत अच्छे बेटा, इतने जल्दी, जितनी तेज हम पढ़ा रहे हैं उतनी दुगुनी, उससे दुगनी स्पीड में भूल रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। किसी का आंसर आएगा? चलो ज्योति जसवाल जी ने कुछ तो दिया, कैंडी बॉय, रोहित सैन, दे सब रहे हैं, दे दे के फिर पहले डालेंगे जो है आंसर, उसके बाद फिर उसे डिलीट मार देंगे। ऐसे आप लोग व्हाट्सएप पे भी करते हो कुछ लोग, बड़ी गंदी आदत है, किसी को मैसेज भेजा उसके देखने से पहले डिलीट मार दिया, अब वो बेचारा परेशान रहेगा कि भेजा क्या था, और भेजा कुछ भी नहीं था, फर्जी की चीजें थी। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 28, 37, 28, 37, 51, 60, 28, 37, 51, 60 बनाने की क्या बात किए थे हम, 54 बनाने की बात किए थे ना आप लोगों से, कितने बनाने की बात किए थे, 54 बनाने की बात किए थे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, है बहुत ही आसान यार, बहुत चिंटू टाइप का है। ठीक है, हाँ भाई बताया है, बताया नहीं होता तो पूछते नहीं है। कोई बात नहीं रामकृष्ण जी, कोई बात नहीं, देखो पहले 54 बनाने की पॉसिबिलिटी तो खोजो, एक पॉसिबिलिटी बनेगी जब 28 और 60 को आप मर्ज करो, तो 28 और 60 के मिक्सचर से आपका 54 बन सकता है, बिल्कुल है। अगली पॉसिबिलिटी 37 एंड 60 के मिक्सचर से यू कैन मेक 54, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मे बी 51 एंड 60 के मिक्सचर से यू कैन मेक 54, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। अगर आप सोचो 28, 37 को मिला दे बन जाएगा तो नहीं, सोचो 28, 51 को मिला दे बन जाएगा तो भी नहीं, 37, 51 से बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो चलो ठीक है, देखते हैं ये पॉसिबिलिटीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 17 आएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आएगा। तो चलो 28 वाला केवल एक जगह है, कितना है, 6 है, 37 वाला भी एक जगह है, 6 है, 51 वाला भी एक जगह है, 6 है, 60 वाला तो कई जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 17, 3, 20, 20 और 26,
20 और 26 कितना हो जाएगा 46, 46। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:3:3:23 इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। सॉरी हाँ ठीक है, ठीक करेक्ट है। कीर्ति सेठी जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ख्याली पुलाव बनाना चाहिए। ठीक है बताइए भाई, क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि इस चीज को मैं आपके सामने, आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूं एक दो बार। ठीक है, ये वाला टाइप मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। श्लोक जी मैं ऐसे बता चुका हूं बेटा। अजय जोशी जी बोल रहे हैं सर अगली बार एकदम पक्का है जवाब देंगे। जवाब दोगे क्या? जवाब दोगे अजय जोशी जी? नहीं लगा पाएंगे, ऐसा बोलने वाले हो क्या? यही जवाब होता है। अच्छा आप पहली बार पढ़ रहे हो श्लोक जी, इसे मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। सृष्टि वाला इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उसके करीब वाला मिक्सचर बना रहे हैं। मिक्सचर भी तो देखो कितने वाला बना रहे हैं, 54 के आसपास। ठीक है, एक दिन समझा देंगे, वैसे दो तीन बार इसे समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसे करें फिर, ठीक है टाइम निकाल के किसी दिन मैं समझा दूंगा श्लोक जी, डोंट वरी। पॉसिबिलिटीज खोजनी होती है कि कितने कितने से आपका ये मिक्सचर बन सकता है, बस उन्हीं पॉसिबिलिटीज पे विचार करना होता है। 13,400 रुपए की धनराशि को चार मित्रों पी क्यू आर एस में बांटा गया, ऐसे बांटा गया पी और की द्वारा प्राप्त धन इतना है, क्यू और आर का इतना है, आर एस का इतना है। तो ठीक है भैया, ये तो पी क्यू आर एस का रेशियो आप बना लो, पी क्यू क्यू आर आर एस इनका रेशियो क्या है? पी क्यू का रेशियो क्या है? 3:2 है। क्यू आर का क्या है? 5:6 है। आर एस का क्या है? 2:5 है। तो अगर हमें क्या चाहिए, पी एस चाहिए ना, हम पूरे को खोजे ही क्यों? लेकिन रुपए तो हैं भैया, तो पूरा तो खोजना पड़ेगा आपको। पी क्यू आर एस अगर हम बोलें तो देखो, 5 × 3 = 15, 2 = 30 हो गया यहाँ पे, 2 × 5 = 10, 2 = 20 हो गया आपका, 2 × 6 = 12, 2 = 24 हो गया, और 2 × 6 = 12, 5 = 60 हो गया। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन सब में कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो हटा दो, और 134 के बराबर हो रहा हो तो रहने दो। 4 × 4 = 7, 3 = 10, 6 = 16, 2 × 2 = 4, 3 = 7, 7 = 13। हाँ ये 134 के बराबर है। तो P और S का अंतर बताना है, P और S के बीच का अंतर कितना है? 30। 30 में 2 जीरो और जोड़ दो, 30 में 2 जीरो और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन 3000, बिल्कुल सही है आंसर, 3000 करेक्ट आंसर देगा आपको। ठीक है, चलिए शिवम त्रिपाठी जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है जल्दी से लगाओ। क्या हुआ अरुण जी, क्यों इतना इमोशनल हो गए भाई? क्वेश्चन लगाते लगाते रोने लगोगे क्या भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है, इसे लगाएं। 5 वर्ष पहले पत्नी और उसके पति की औसत की आयु, ठीक है पत्नी वाइफ और हस्बैंड का एज था रेशियो 9:11। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो 26:31। ये 5 वर्ष पहले का था, ये 2 वर्ष बाद, दोनों के बीच में 7 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखें तो 2 का अंतर है, यहाँ पे देखें तो 5 का डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए ना। 26:5 हो गया, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 वाले को 5 से गुणा कर दो और 5 वाले को 2 से कर दो डिफरेंस बराबर करने के लिए। तो 5 से करोगे तो 45 और 55 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 52 और कितना हो जाएगा? 62। हमें तो एग्जैक्ट एज ही पता चल गई, 45 से 52 आया, मतलब 7 ईयर का डिफरेंस आया। ये 5 वर्ष पहले की उम्र है, ये 2 वर्ष बाद की उम्र है। अब पूछा क्या गया है ये पढ़ लो, उनकी पत्नी की वर्तमान, पति और पत्नी की, तो भाई 5 साल पहले 55 के थे हस्बैंड, तो अब कितने के होंगे? 60 के।
5 साल पहले 45 की थी तो अब कितने की होंगी, 50 की। रेशियो क्या बनेगा, 6:5। सेकेंड ऑप्शन, देखो ध्यान देना यही चीज़ आप लोग, यही मैं आपसे 4-5 बार मैं बता चुका हूँ, शुरू में वाइफ हस्बैंड दिया है, बाद में हस्बैंड वाइफ पूछ लिया है। 6:5 आंसर सही होगा, 6:5 भी है, 5:6 भी है, लगाना देना। 100 बार आपसे हर दिन बताता हूँ आपसे कि रेशियो में रिवर्स रेशियो जरूर से रहता है रेशियो के क्वेश्चन में आंसर, लेकिन हर दिन आप लोग वही गलती करते हो। नरेंद्र सैनी जी ने, अर्चना रमन सिंह जी ने दिया यही आंसर, राजा शेखर जी ने दिया, अरुण केशव ने तो सही दिया है, चलो ठीक है, राहुल प्रजापति ने भी दे दिया, बताओ, श्लोक क्रिएशन भी दे दिए यही आंसर, अंकित सिंह रघुवंशी भी दे दिए, सुधर जाओ भाई, शिवम त्रिपाठी जी आप भी दिए हो, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात यार, एग्जाम में गलत करके आ गए ना तो फिर समझ लो कि उल्टा आप करोगे और नंबर भी उलट देगा उधर से उठा के, नेगेटिव में कर देगा फटाक से। अच्छा एक ही गलती कैसे आप 100 बार कैसे रिपीट कर सकते हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएं भाई, क्या आएगा। आप में से बताएगा कोई, देखो इतना इतना का फॉर्मूला दिया है, ये पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा ना, ये फॉर्मूला देखे हो कि नहीं देखे हो ये बताओ। 288, ये फॉर्मूला नहीं देखे हो तो जान लो, x⁴ + y⁴ + x²y² ये बराबर होता है x²y² - xy x²+y² + xy के, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका पहले वाले की वैल्यू 12 थी, दूसरे की 24, 12 × 24 करोगे तो 288 आएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से कोशिश करें करने का, क्या है आपका क्वेश्चन। 1² + 3a + 1 = इतना है, इतने की वैल्यू पूछी दी गई, पूछ ली गई है, तो पहले लिखें तो 1² + 3a + 1 = 0, ये दिया हुआ है, और पूछा क्या गया है, 1³³ - 1/a+3³। तो a³ - b³ है, ये क्या है, a³ - b³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a·b·a² + b² + ab, यही होता है आपका, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो पहले यहाँ से तो देखें कि यहाँ से कुछ बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे हम लोग, क्योंकि a+3 के फॉर्म में ले आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो अगर a से हम इसे डिवाइड कर दें, a से डिवाइड कर दें तो a+3 बचेगा, और क्या बचेगा, -1/a के बराबर आ जाएगा, क्या जाएगा, -1/a, कुछ गलत वलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ए से पूरे को मैंने डिवाइड किया तो a+3 + 1/a आ जाएगा, और ये -1, अच्छा इसकी जगह पर -1/a अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/a³, और इधर वाले माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, +a³ हो जाएगा, तो a³ इतने की वैल्यू आ जाएगी, a³ - 1/a³, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, जल्दी से बताओ भाई, अच्छा यहां से इसे ए से डिवाइड करके ये भी तो कर सकते हैं, ए से अगर हम डिवाइड कर दें तो a+1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी ना। अब जैसे ही ये वाली वैल्यू मिलेगी इसमें रख लोगे, बना पाओगे कि नहीं, इसे बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, जल्दी बताएं। सो द वैल्यू ऑफ a²+3a+1 = 0 इज गिवेन ओवर हियर, व्हेन यू विल डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय ए यू विल गेट a+3 = -1/a, एंड नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर,
इन द एक्चुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आपसे वास्तविकता में दिया गया उसमें जब पुट करेंगे, यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, ये लिखा क्या है, a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, और इसी को जब आपने यहाँ पे बदला था तो यहाँ से वैल्यू मिली थी a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू माइनस थ्री, यहाँ पे उठा के रख देना है बस। अब इसमें फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो गया ना निशा जी, चलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करने ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है और इसमें वैल्यू उठा के पुट करनी है, बस इतना ही करना है, कभी कुछ तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते ही थोड़ा सा तो ब्लड प्रेशर आप लोगों का अप डाउन होता ही होता है, तो इस क्वेश्चन से भी होगा डेफिनेटली, ऑब्वियस चीज है, कोई नई चीज थोड़े नहीं। क्या है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ऐसे हैं आपके ये दीज आर द टू सर्कल्स, इनके बीच, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, सेंटर्स इज 4, ये 4 दिया हुआ है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है, एक की रेडियाई क्या है 5 है, ये 5 है आपका, एक की रेडियाई क्या है आपका 3 है, ये 3 है, अगर ये 5 है ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, ये तो 4 दिया भी है। अच्छा अब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आप एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, तो 1/2 5 इंटू 3, एक बार इधर से कर दिया, दूसरी बार आप चाहो तो इधर से एरिया, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला ऑफ एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट h मान लो आप, तो 1/2 बेस कितना है आपका 4 इंटू हाइट h, 1/2 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/4, 15/4 का मतलब 3.75, ये h की वैल्यू हो जाएगी, 4 × 16 यही आएगा क्या, एक मिनट रुक जाओ भाई, 5 × 3 15, ठीक है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन आपको तो ये कॉमन कॉर्ड की लंबाई चाहिए ना, सामान्य जीवन ये लेंथ चाहिए ना, तो ये जो भी h आएगा उसका डबल कर दो, 3.75 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 7.5 आएगा, क्या मुझसे गलत आ रहा है क्या, आप लोग देखो एक बार क्या पे क्या गलती हो रही, टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, अच्छा, एक मिनट यहीं पे गलती हो गई, सॉरी, एक मिनट भाई, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है, क्योंकि ये 5 है ये 3 है तो ये 4 तो नहीं होगा, और ये आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है क्या आपका, क्या ये चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, एक सेकंड का टाइम दो, बस एक सेकंड का टाइम दो, थोड़ा सा इसे देख के समझने के लिए इस क्वेश्चन को, फाइव हुआ थ्री हुआ उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 4 है, तो ये 90 डिग्री तो नहीं बनेगा, एक चीज तो क्लियर है आपका ना, क्योंकि एक हो गया 5 हो गया, एक हो गया 3 हो गया, एक आपका 4 हो गया, एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम वो सॉरी हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, नहीं फॉर्मूला पुट करने पर नहीं, ये गलत आ रहा है, जो मैंने आपको आंसर दिखाया मुझे तुरंत पता चला ना कि ये गलत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया, ये 5 है ये 3 है ये 4 है, ये अगर हाइपोटेन्यूज होता तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता, हाइपोटेन्यूज तो है नहीं है, तो आपका ये बना एस्केलेन ट्रायंगल, क्या बना एस्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ये 5 है ये 3 है ये 4 है, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा 5 5 4 9 3 12, 12/2 मतलब एस की वैल्यू इट विल बी 6, तो एरिया होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस है एस माइनस ए करोगे तो 1 आ जाएगा, एस माइनस बी करोगे तो 3 हो जाएगा, एस माइनस सी करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 18 36, एरिया कितना आ जाएगा 6, एरिया आ जाएगा 6, अब इसे आप करो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हम मान लिए 4 है ही h, ठीक है 2 से कट करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 से कट करेंगे 3 टाइम जाएगा, h की वैल्यू 3 आई और 3 का डबल आपका कॉर्ड होगा, इट मीन 6 विल बी द करेक्ट आंसर, 6 विल गिव यू द करेक्ट आंसर, नहीं 7.5 नहीं होगा भाई, ये मैंने बताया ना यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, वो आपका हमने उसे राइट एंगल ट्रायंगल समझ लिया था, वो राइट एंगल ट्रायंगल था ही नहीं, ये आपका था एस्केलेन ट्रायंगल, अरे आप में से ज्यादातर लोग 8 दिए हो,
कोई भी लगा दो कैंडी बॉय जी, मेरे ख्याल से जो फॉर्मूले की आप बात कर रहे हो कैंडी बॉय जी, वो शायद केवल केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होने में लगता है। ठीक है, यहां पे भी लगा के देख लो, यहां पे आपका करेक्ट आंसर बेटा 6 होगा, करेक्ट आंसर 6 होगा, डोंट बी कंफ्यूज। मुझे लगा था कि हाँ ये 7.5 होगा, मैं भी गलत दिया हो, लेकिन फिर मैंने देखा थोड़ी देर में तो समझ में आ गई चीजें कि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नरेन जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए यहां पे मैं रुक गया आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर ये क्वेश्चन दिख ना रहा हो तो बताना जरूर से कि मैं फिर से बना दूं। अच्छा, इसको बनाना भी तो मुश्किल काम है यार, इस क्वेश्चन को बनाना भी मुश्किल काम है। ये बन गया आपका क्वेश्चन, नाम इसका दे दें हम ए बी सी डी ई हो गया, एफ हो गया, और ये वाला मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन जी हो जाएगा आपका। ठीक है, दिया क्या है एंगल ए 20, ये वाला दे दिया गया, ये कितना है 20 डिग्री, एंगल ए एफ जी, ए जी एफ के बराबर है, ए एफ जी, ए एफ जी ये वाला और ए जी एफ ये दोनों बराबर है, तो एंगल बी प्लस डी, बी प्लस डी इन दोनों की बात कर रहा है। जल्दी से लगाओ भाई, ठीक है जल्दी से लगाइए। 80 आया कुछ लोगों का, और भी किसी का कुछ आंसर आ रहा है? चलो ध्यान देते हैं, आराम से करेंगे, होगा। ठीक है, ये 20 है, ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे आपके, अगर हम बात करें, क्या कह रहे हो, हमारा लगाने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग लगाओगे? ये दोनों मिला के 160 हो जाएंगे ना, 160 होंगे, 80 80 होंगे, अगर ये 80 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, और ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा ना आपका 80। ठीक है, और ये 80 20 ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो हम लोगों को चाहिए क्या, ये वाला चाहिए ना, रुके रहो भाई, ये 80 ये 20 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, ये 80 होने का मतलब इन दोनों एंगल्स का सम भी 80 होना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है भाई, बताओ आप ही लोग, बताओ आप ही लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, ए एफ जी जो आपका है, ए एफ जी, ठीक है, बहुत सारा लगाना पड़ेगा, बहुत सब, हाँ बहुत रिलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखो, लौट के आते हैं, तब तक बाकी क्वेश्चन कर लो, ये वो वाला क्वेश्चन है जो परेशान करने वाला है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा रिलेशन बनाने में परेशान करेगा आपको। अरे कैंडी बॉय जी आने जाइए भाई, काहे परेशान हो रहा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब किसी भी, ये क्या होंगे, ये सर्किल के अंदर होंगे अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो। ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी 47 है, ए बी सी ये 47 है, बी सी डी 97 है, बी सी डी 97 है, ठीक है, ए डी सी माइनस बी ए डी बताओ, ये 97 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 180 होना चाहिए, तो आपका ये 90 तो होगा नहीं, 83 हो जाएगा, ये 47 है आपका 50 है तो 130 ये होना चाहिए, 130 होने का मतलब क्या, 123, 133 हो गया। आपको क्या निकालना है, ए डी सी बी ए डी, ए डी सी, ए डी सी है 133, बी ए डी, बी ए डी है 83, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो क्या आएगा, 50। अच्छा अरुण केशव जी बोल रहे हैं सर 80 आएगा, अरे रुक जाओ सुन लो भाई अगले क्वेश्चन का भी,
त्रिसूत्र पाठी जी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए हैं बैक टू बैक। चलो अभी भी जो लोग ऐसे बैठे हो, जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो, कर दो भाई, थोड़े क्वेश्चन और बचे, नहीं करोगे तो रोक देंगे यहीं पर, ठीक है क्या सेशन को? नहीं, सेशन तो चलेगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई लेंथ ब्रेथ 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो, उस मैदान का क्षेत्रफल इतना है, आयताकार मैदान की लंबाई बताओ भाई। 7 × 5, 7 × 5 जो 35x² की वैल्यू दी है, 6860। अगर हम 7 से करें तो 7 × 5 जा 35, 7 × 9 जा 63, 5 बचा आपके पास, 7 × 8 जा, ठीक है, 5 से अगर हम करेंगे तो 5 × 9 = 5, आपके पास 4 बचा, 49 हो गया, 5 × 9 = 45, 5 × 6 जा, x² की वैल्यू 196 आई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, 14 आ जाएगी। लेंथ बताना है तो x की वैल्यू 14, तो लेंथ 14 × 98, 98। हाँ अजय जी का आ गया, ठीक है, धीरज का आ गया, सोनू का आ गया, शिवम त्रिपाठी का आ गया, चलो बढ़िया है, नरेंद्र जी का भी आ गया, कीर्ति जी का भी आ गया, प्रियंका, रितिका, बहुत सारे लोगों का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राम किशन जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद यू नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई जल्दी से। इफ अ क्लोज मेटालिक कोनिकल टैंक इज कोनिकल है 4 मीटर डीप एंड सर्कुलर टॉप हैज डायमीटर 6, ठीक है, ये टैंक है आपका, कोनिकल टैंक है, कितना है डायमीटर, कितना है इसका, 6 है, और इसकी डेप्थ कितनी है आपकी, 4 मीटर है, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द मेटालिक सीट रिक्वायर टू मेक द टैंक, ठीक है, एरिया, एरिया का मतलब पाई आर एल चाहिए, ये 6 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 36 और 16, नहीं 10 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको मेटेलिक, ये बंद है, एक बंद, अच्छा बंद है तब तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब पाई आर एल प्लस आर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इतना निकालना पड़ेगा, आपके पास रेडियस है, हाइट है, 6 × 6 = 36, 4 × 4 = 16, 36 और 16 मिला के कितना 52 हो जाएगा ना, 2√13 आ जाएगा क्या ये वैल्यू, जल्दी एक बार मुझे देख के बताना भाई। इफ अ क्लोज मेटेलिक कोनिकल टैंक इज 4 मीटर डीप एंड इट्स सर्कुलर टॉप इज हैज 6 मीटर डायमीटर, डायमीटर 6 था, सॉरी रेडियस तो 3 होगा, रेडियस 3 होगा तो ये 5 हो जाएगा, सो सॉरी डियर, पाई, पाई ऐसे ही रखा रहने दो, आर कितना हो गया 3 हो गया, एल प्लस आर कितना होगा 8 होगा, 8 × 3 जा 24 पाई, 24 पाई 24 × 3.14 रखोगे तो 24 × 3 = 72, 72 कुछ आएगा, पहला वाला ऑप्शन ही हो सकता है और कुछ हो भी नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ डायमीटर की जगह पे मैंने उसे रेडियस रख दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी से दीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है ये, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन ऑफ वॉल्यूम वी आर डबल, हाइट एंड रेडियस डबल किया जा रहा है, देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन विल बी, बताने की जरूरत है, हाइट और रेडियस जब दोनों डबल कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 times हो जाएगा हाइट भी, भाई देखो 1/3 πr² h होता है, सब डबल कर डालो तो 1/3 π तो रहेगा, आर का डबल करोगे तो 4r² हो जाएगा, एच का डबल करोगे तो 2h, तो 8 times हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सीधा सा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये नहीं बोलिएगा कि सर दिखाई नहीं दे रहा है बराबर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बराबर से दिखाई दे रहा है, बड़ा लिखा है इस बार, ठीक है, जल्दी से बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, ठीक है,
क्या है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी है 2/3 इंटू रूट 81, तो 2/3 तो ऐसे लिखा रहने दो, रूट 81 का मतलब 9, 9 माइनस 6/18 और ये 18 का स्क्वायर ही लिखा है इंटू 18 प्लस 56 लिखा है और इंटू रूट में क्या लिखा हुआ है, रूट में ये बहुत सारी चीजें दी हैं, तो 2 को 12 से भाग करो तो 1/6 आएगा और 1/6 को 3 से करोगे तो -1/2 आएगा, -1/2 यहाँ जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 20 21 होगा, 21 4 25, 25 का मतलब ये पूरा रूट हटा दो इंटू ये 5 में आ जाएगा, ये 18 से 18 कट जाएगा, ये 3 से कट करना चाहें तो 9 कट कर सकते हैं, 3 टू जा क्या हो गया 6, 6 हो गया, -6 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 56 इंटू 5 करेंगे तो 280 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, क्या आएगा आंसर 280। ये लोग बहुत सारे लोग, अरुण केशव जी, कैंडी बॉय जी, गोकुल जी, रितिका, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया पहले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये है आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं और 999 तक होती हैं, 5 से भाग करो कितनी बार जाएगा 20 बार, इसे भाग करें तो कितना 199 बार जाएगा, ये बताओ 20 से लेके 199 बार किया जाएगा ना, तो 20 से लेकर के 199 तक कितनी संख्याएं होती हैं, बताएगा कोई आप में से, 180 कितनी होती हैं, 180, 180, ठीक है। हाँ अरुण जी, अजय जी, बिल्कुल सही है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वांट के पार्ट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद आपके साथ आएंगे आपके रीजनिंग वाले सर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखें डियर, और ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 45 डिग्री, ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, 45 डिग्री के कंपेरिजन में 60 डिग्री में आपका जो शैडो है वो बड़ी हो जाती है, कितनी हो जाती है आपकी, ठीक है, ये 45 है, ये 60 हो जाए, कितना लॉन्गर हो जाता है 40 मीटर, 40 मीटर, ये डिस्टेंस 40 दिया है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर एच निकालना, आपको पहले ही बताया गया अगर ये डिस्टेंस डी हो, ये आपका हाइट एच हो, ये थीटा वन थीटा टू हो, तो डी बराबर होता है एच कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, ये होता है आपका डी बराबर, डिस्टेंस निकालना था 40 दिया ही है, एच रहेगा ही रहेगा, कॉट 30, कॉट में आपका 60 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 हो जाती है और 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 माइनस 1/√3 सॉल्व कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसे, ठीक है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 और ये आपका कर दे 40 इंटू रूट थ्री माइनस 1/√3 कर दोगे, ठीक है, सो 1/√3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, ये होगा 40√3 अपॉन √3 माइनस 1, 40√3 अपॉन √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 को इन्होंने इससे कर दिया है, कौन सा ऑप्शन आएगा, मेरे ख्याल से ये फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि √3 माइनस 1 प्लस 1 से ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 आएगा, कट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैथ के सेगमेंट में इतना ही रखेंगे, अभी आपके साथ आपके फेवरेट सर, रीजनिंग वाले सर अभिनव सर आ रहे हैं, और अभी भी आपको रीजनिंग का सेगमेंट कंप्लीट करना है, मॉक जितना भी हो रहा है डेली पूरा सेशन आप लोग अटेंड करें और भी लोगों को जोड़िए इसमें, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना बेहतर कॉम्पिटिशन रहेगा, उतना ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, राइट, सो थैंक यू सो मच, मिलते रहिए आप लोग नेक्स्ट सेशन में, हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे इसी चैनल पे, और अभी समय है आपके रीजनिंग के सब्जेक्ट का, रीजनिंग के सर का, तो सर आ गए हैं आपके साथ लाइव, आप लोग देखिए रीजनिंग को एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच डियर।
काहे? अरे सवा तो ले दो यार, खत्म तो करे दो उठे पहले। अरे हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अभिनव सिंह योर रीजनिंग मेंटर वेलकमिंग यू ऑल ऑन testbook.com यूट्यूब के हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ और वीडियो प्रॉपरली आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? मैं प्रॉपरली आपको सुनाई दे रहा हूँ? वीडियो प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए एंड फिर हम आगे बात करते हैं अपने सेशन की। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल, सब बढ़िया? ओके, ऑल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात है। बहुत देर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ लिया, मैथ्स आपने पढ़ लिया और अब आप और हम मिलकर के डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग। तो ठीक है, अब मैंने कमान संभाली है यहाँ से, अब मैं आप सभी लोगों के साथ रीजनिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपका एक मॉक टेस्ट होगा, ठीक है? पूरी खार? अरे यार तुम हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो अरुण कुमार, चलिए बढ़िया बात है, खाते रहिए अरुण केशव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देवेंद्र कुमार, सब बढ़िया। गुंजा भारती, शिवम त्रिपाठी, अमित, बहुत बढ़िया। तो देखो टॉप 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पेन और पेपर दोनों का इस्तेमाल करना होगा, तो जल्दी से लेकर के रेडी हो जाइए पेन और पेपर। कुछ क्वेश्चंस में आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे नंबरिंग भी कर लीजिए 1 से लेकर के 20 तक, तो आप और लास्ट में अपन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किया और किसने कितने आपने गलत किए। रुकना नहीं है अनिशा दास जी, रुकना नहीं है, रुक कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, दो काम आप लोगों ने करना बंद कर दिया होगा अभी तक, पहला तो ये है कि सेशन को शेयर करना और दूसरा सेशन को लाइक करना। अगर आपने ये रोक दिया है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अब मुझे देखना है कि आप सारे लोग कितने लोगों को इसको शेयर करते हो। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, उसके लिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो, हर एक जगह पर शेयर करो वीडियो को फटाफट जल्दी जल्दी से। और लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सो 300 प्लस लाइक का टारगेट लेकर के मैं स्टार्ट करूंगा, मुझे 300 प्लस लाइक चाहिए वीडियो के एंड तक, 300 प्लस लाइक चाहिए ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन होने वाला है ये, आपको पहले दिया गया है इंस्ट्रक्शंस जिसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो मैट्रिक्स हैं, एक में 0 से 4, दूसरे में 5 से 9, इस तरीके से नंबर दिया गया है। नंबर जो रिप्रेजेंट किए गए हैं फर्स्ट बाय इट्स रो, ठीक है, फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। तो यहाँ पर जो नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो कोड बनाए जा रहे हैं, वो पहले रो का नंबर लेकर देन कॉलम का नंबर लेकर के बनाना है। कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दिए हैं, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। सो डिम्यूर एक वर्ड है, DEMEMURE, ठीक, इसका आपको कोड बताना है। ऑप्शन आपके पास है, मैट्रिक्स आपके सामने हैं, लग जाइए रो टू कॉलम, बताइए क्या कोड होगा।
ऑप्शन नंबर थ्री मुझे आंसर मिल रहा है, और लोगों का क्या आंसर आएगा भाई जल्दी से बता दो, और लोग भी रिप्लाई करो भाई, जल्दी जल्दी करो रिप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें यहाँ पर दिखने चाहिए आंसर करते हुए, जितने लोग हो भाई सभी लोग आंसर करो। डिमोर मीन्स होता है शर्मीला, शांत स्वभाव का, जो ज़्यादातर यंग लेडी के लिए यूज़ किया जाता है। डिम्योर एक एडजेक्टिव है, ये एक प्रॉपर्टी एक क्वालिटी है डिम्योर, ठीक है। तो आपको इसका बताना है कोड, डी का, ई का, एम का, यू का, आर का और ई का, सबका कोड बिल्कुल सही सही दिया गया हो, किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अलग अलग आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, कोई फोर कह रहा है, कोई थ्री कह रहा है, कोई पता नहीं क्या कह रहा है, चाहिए चेक करते हैं। तो फोर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 57 की बात करें यहाँ पर, तो फाइव से आगे बढ़ेंगे, सेवन तक रुक जाएंगे, 57 हो गया, जो कि आपको डी दे रहा है, ठीक है, ये ठीक है। 99 की बात करेंगे, 9 से आगे बढ़ेंगे, 9 तक रुक जाएंगे, तो ये आपको ई दे रहा है, ये भी सही है। 2 से आगे बढ़ेंगे, 4 तक रुक जाएंगे, ये आपको एम दे रहा है, ये भी सही है। 2 से आगे बढ़ेंगे, 0 तक रुक जाएंगे, ये आपको यू दे रहा है, ये भी सही है। 7 से आगे बढ़ेंगे, 9 तक रुक जाएंगे, ये आपको आर दे रहा है, दिस वन इज ऑल्सो गुड। 9 से आगे बढ़ेंगे, 9 तक ही रुक जाएंगे, ये आपको ई दे रहा है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें ये जो लेटर्स हैं डी ई एम यू आर ई, इस सभी के कोड बिल्कुल सही सही दिए गए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, वॉरियर इज रिलेटेड टू सॉर्ड, कारपेंटर इज रिलेटेड टू सॉ, फार्मर इज रिलेटेड टू प्लॉ, इन द सेम वे ऑथर इज रिलेटेड टू वॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ कह रहा है कि अगर वॉरियर सॉर्ड से रिलेटेड है, अगर योद्धा तलवार से संबंधित है, बढ़ई और आरी से संबंधित है, किसान हल से संबंधित है, तो लेखक किससे संबंधित होगा। तो ये सब वो अस्त्र शस्त्र या यंत्र बोलिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉरियर जो योद्धा होता है वो किसका इस्तेमाल करेगा, वो आरी का इस्तेमाल तो करेगा नहीं, वो तलवार का इस्तेमाल करेगा। कारपेंटर जो होगा वो तलवार का तो इस्तेमाल करेगा नहीं, वो आरी का इस्तेमाल करेगा। किसान जो होता है वो हल का इस्तेमाल करता है, उसी तरह लेखक जो होता है वो किसका इस्तेमाल करता है, बुक का, फेम का, रीडर का या पेन का। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से पेन ही है उसका यंत्र अस्त्र शस्त्र जो भी आप बोलो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, सभी लोग मुझे आंसर ऑप्शन नंबर 4 करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर ऑड वन आउट आपको चूज करना है, एक ऐसा ऑप्शन जो बाकी सबसे डिफरेंट है, या तीन ऐसे ऑप्शन जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है और एक ऐसा ऑप्शन जो बाकी सबसे अलग है। तीन ऐसे ऑप्शन जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है और एक ऐसा ऑप्शन जो बाकी सबसे अलग है, तो जो अलग है वही हमारा आंसर है, और आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताइए भाई। देखो ए से बी जो आएगा ये या तो प्लस वन करके आएगा, ठीक है, फिर बी से डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस थ्री हुआ है, अगर हम ऐसे बोलें तो पहले तो प्लस वन हुआ था फिर प्लस थ्री हुआ है, फिर बी से डी की अगर हम बात करेंगे तो प्लस टू हुआ है, बी से डी की अगर हम बात करेंगे तो प्लस टू हुआ है, प्लस टू हुआ है, और डी से अगर हम एच की बात करेंगे तो दो है या आठ है, यानी कि यहाँ पे प्लस छः हुआ है। तो इसमें और दोनों में तो लॉजिक बिल्कुल अलग ही अलग है। ई से जे में अगर हम जाएंगे तो प्लस पाँच हुआ है, जे से टी में अगर हम जाएंगे तो दस से बीस है, यानी कि प्लस बीस या प्लस दस हुआ है। तो एक्चुअली तीन ऑप्शन आपने देखे और तीनों एक दूसरे से अलग है, तीन देखे और तीनों एक दूसरे से अलग है, तो ये लॉजिक तो नहीं है कतई भी, तो कोई और लॉजिक होने वाला है, तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, तो अब वो उसकी बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बी से डी और डी से एच तक अगर आपको आना है तो बी को मल्टीप्लाई टू कर दीजिए, टू टू ज़ा फोर, फोर यानी कि डी, टू टू ज़ा फोर, फोर यानी कि डी, और डी को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर टू ज़ा एट, एट यानी कि एच, तो ये तो सही बैठा। ई से जे और जे से टी की अगर हम बात करें तो ई से जे का मतलब फाइव टू ज़ा टेन, और जे से टेन का मतलब टेन टू ज़ा ट्वेंटी, ये दोनों में लॉजिक देखो सेम बैठा।
एफ से एल और एल से अगर हम टी की बात करें तो 6 2s are 12 और 12 2s are 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो टी दिया हुआ, एक्स आना चाहिए था। पहला वाला ऑप्शन देखो, ए बी डी है, ए में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2s are 2 यानी कि बी है, और बी में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2s are 4 यानी कि डी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में है सिमिलैरिटी, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में वो सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है, बट फर्क ये है ये मीनिंगफुल वर्ड्स पर बेस्ड है। ब्यूटीफुल, एंगर, ऑनेस्ट और क्रूएल। ब्यूटीफुल, एंगर, ऑनेस्ट और क्रूएल, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग ना पता हो किसी को, सब लोग जानते हैं, सारी मीनिंग जानते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर होना है, ठीक है। एंगर एक भाव है गुस्से का, ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, क्रूएल ये भी एक तरीके से एक हैबिट हो सकती है या एक नेचर हो सकता है व्यक्ति का। तो अगर हम बात करें एंगर होना, ऑनेस्ट होना, क्रूएल होना, ये व्यक्ति का जो है उसके स्वभाव पर है संबंधित, ये स्वभाव दिखा रहा है। एंगर होना, ऑनेस्ट होना, क्रूएल होना ये स्वभाव है, बट ब्यूटीफुल होना ये स्वभाव नहीं है, ये गॉड गिफ्ट हो सकता है ना। यस, ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटीफुल, दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ब्यूटीफुल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हाँ, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ब्यूटीफुल इज फिजिकल, बट द एंगर, ऑनेस्ट या क्रूएल जो है वो एक इमोशन है। कोई कह रहा है कि, गोकुल कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल जस्ट बेस्ड ऑन मेकअप, ऐसा होता है क्या गोकुल? तुम बहुत मार खाने वाले हो, लड़कियां लोग बहुत गुस्सा आ जाएंगे तुमसे। मजिशियन का कोड आपको दिया गया है, मजिशियन का कोड आपको दिया गया है, किसी लॉजिक से बनाया गया है, और उसी लॉजिक से फिर आपको नेम टैग्स का कोड पता करना है। मजिशियन का जो कोड है वो है EQCMKMGRE। यहाँ पे तो एक लेटर ज़्यादा हो गया, MAGICIAN और EQC, अच्छा C नहीं था, मैंने C ज़बरदस्ती लिख दिया है, एक मिनट, EQMKMGRE ये है। मजिशियन का कोड आपको दिया गया है और आपको पता करना है नेम टैग्स का कोड। मजिशियन का कोड आपको दिया गया है, नेम टैग्स का कोड आपको पता करना है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लग जाओ, बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। दोनों में प्लस चार हो रहा है, 13 4 17 क्यों, 1 4 5 ई, यहां भी दोनों में प्लस चार हो रहा है, 7 4 11 9 4 13 यहां भी दोनों में प्लस चार हो रहा है, 9 4 13 3 और 4 7 यहां भी दोनों में प्लस चार हो रहा है, 4 1 5 और 9 4 14 4 18 सभी में प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर। यही लॉजिक यहाँ लगाओगे, 1 4 5 14 5 19 यानी कि, एक मिनट, 14 4 करना, 14 4 18 1 4 5 14 4 18 ई के बाद आर आना चाहिए सभी ऑप्शन में, 5 4 9 आई, 13 4 17 क्यों, आई के बाद क्यों, तो ये कैंसिल कर दो, 1 4 5 यानी कि ई, और 20 4 24 यानी कि एक्स, ई एक्स आना चाहिए, ई एक्स, ई एक्स यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 में है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। फिगर एम्बेडेड का क्वेश्चन है, ये इमेज एक्स आपको दी गई है, ये इमेज एक्स आपको दी गई है, ये इमेज एक्स आपको किस ऑप्शन में छुपी हुई दिखाई दे रही है,
किस ऑप्शन में इमेज एक्स आपको छुपी हुई दिखाई दे रही है, वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्स इमेज आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको? इसको छुपा देते हैं क्योंकि जो है ये गड़बड़ कर रहा है मामला अभी। ठीक है, लो 4 J line J line J line 1 2 3 1 2 3 ये लाइन आपको यहां पर मिल रही है। इस तरीके से ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में केवल दिखाई दे रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ओके, तो ग्रेट एग्ज़ाम फेस्टिवल चल रहा है, ईयरली टेस्ट बुक पास आप ले सकते हो 299 रुपीज़ ओनली में, और उसके साथ ही साथ आपको 3 मंथ का गाना प्लस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, 12,000 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, तो इसको अगर आप परचेज करते हो तो 1 साल तक लगातार आप सारे के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। प्लस अगर आप RRB NTPC लाइव कोचिंग 4.2 को अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है। इस बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो इसकी जो प्राइस रखी है वो 299 है, और इसके साथ ही साथ आपको 3 मंथ का मिलता है टेस्ट बुक पास। टेस्ट बुक पास जिसकी बात अभी हम कर रहे थे इससे पहले वाली स्लाइड में, तो ये आपको 3 मंथ के लिए प्रैक्टिस देता है। 3 मंथ के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। RRB NTPC लाइव कोचिंग 4.0 प्लस 3 मंथ का टेस्ट बुक पास 299 रुपीज़ ओनली पे। लिमिटेड टाइम ऑफर है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, और उसको क्लिक करिएगा, सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन जो है वो है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड। ये क्वेश्चन बच्चा ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि खसिम पॉइंटेड टुवर्ड्स हरी एंड सैद। तो खसिम ने या कासिम ने एक पॉइंट किया है हरी को और कहा है कि यू आर वन एंड ओनली सन, तुम एक लौते पुत्र हो, किसके? ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स चाइल्ड। तो कासिम ने बोला, यू आर वन एंड ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स चाइल्ड। तो कासिम ने बोला कि मेरे मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो गया ये, कासिम की मैटरनल ग्रैंड मदर तो यही हुई, ठीक है, नानी। इनके भाई कासिम की ग्रैंड मदर यानी कि नानी का भाई ये हो गया, उनकी संतान कोई भी होगी XYZ, लड़का या लड़की हमें नहीं पता, का एक लौता पुत्र है जिसका नाम है हरी। तो बोल हरी। तो हमसे पूछा है कि कासिम और हरी के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों सेम जनरेशन में हैं, इनके माता पिता अलग अलग हैं, और लेकिन ये रिलेशन में तो आएंगे ही आएंगे, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे आंसर कजिन्स एक ऑप्शन में दिया हुआ है, सो कजिन्स हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफर्म नहीं पूछा था कि किसका रिलेशन क्या है किससे, तो कज़िन अगर ऑप्शन में दिया है तो कज़िन तो हम बता ही सकते हैं ना, कज़िन में लड़का हो लड़की हो दोनों आ जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वाह भाई वाह, मेरा फेवरेट टॉपिक काउंटिंग फिगर। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए इस इमेज में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको कितने दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में? 1, 2, 3, 4, और हर एक कॉर्नर से एक एक मिलेगा, तो इससे मिल गए आपको 8। जैसे कि ये कॉर्नर 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 ये मिला है ना, एक ट्राइंगल मिला,
उसी तरीके से हर जगह से एक एक मिलेगा। तो टोटल आपको जो मिल रहे हैं वो टोटल मिल रहे हैं 8, तो यहाँ से आपको 8 मिले, ठीक, उसी तरीके से यहाँ से भी आपको 8 मिलेंगे, उसी तरीके यहाँ से भी आपको 8 मिलेंगे, और उसी तरह यहाँ से भी आपको 8 मिलेंगे। तो 8 4 32, 8 4 32, 32 तो आपको यही मिल गए। अब कोई कॉमन लाइन की वजह से दो और मिल रहे हैं, जैसे ये कॉमन लाइन है तो इससे आपको एक ये भी मिल रहा है ऊपर से, और एक आपको नीचे से मिल रहा है, ठीक है। तो इस एक कॉमन लाइन होने की वजह से दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो दो इधर से मिलेंगे, दो इधर से मिलेंगे, दो इधर से मिलेंगे, दो इधर से मिलेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 आपको और मिल गए। तो 32 तो था ही, प्लस 8 आपने और कर दिया, तो 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40 हो गया, 32 और 8 कितना हो गया, 40। अब इसके बाद और कौन सा मिलेगा, तो सबसे बड़े वाले पार्ट की तरफ अगर आप फोकस करो तो इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को अगर हम मिला देंगे, तो जैसे यहाँ पर खींची लाइन इधर, ये लाइन इधर खींची, ये लाइन इधर खींची, तो देखो एक ये ट्राइंगल मिला। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर से, तीसरे कॉर्नर से, चौथे कॉर्नर से 4 आपको और मिल जाएंगे, तो प्लस 4 हमने और कर दिया। इसके अलावा अब और नहीं मिल रहा है, तो 32 अलग, 8 अलग, 4 अलग, 32 प्लस 8 40, 4 44, 44 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 44 मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ये है हमारा आंसर। ये 48 वाले जो भी है ना, ये ऐसे आंसर करते हैं जैसे लगता है कि हमने जिसको बोल दिया वही आंसर है, वही ऑप्शन है, वही है सब कुछ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई देख तो लिया करो, आंसर करने से पहले देख तो लिया करो, ठीक है। 44 इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट है, सबको समझा दिया है, आराम से बताया था। अगर आप एक बार फिर से भी देखोगे वीडियो को तो भी आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं रेस्ट इन पीस हो जाओगे, है ना, ऐसे बोल रहे हो तुम लोग। हाँ जी, तो ऑन विच डेट इन अक्टूबर कुणाल वॉज बॉर्न, कुणाल का जन्म अक्टूबर में कब होता है। कुणाल का जन्मदिन अक्टूबर में कब होता है, कुणाल की मदर को याद है कि कुणाल का जन्म जो है वो 19 से पहले 15 के बाद है, 15 के बाद और 19 से पहले, लेकिन इसमें तो 16 17 18 तीन डेज आ रही हैं, तो हमें कंफर्म नहीं पता। पहला स्टेटमेंट कंफर्म आंसर नहीं देता। दूसरा पढ़ेंगे, कुणाल के ब्रदर को याद है कि कुणाल का जन्मदिन वो 17 से पहले है लेकिन 12 के बाद है, तो 12 के बाद 17 से पहले, इसमें भी बीच में 13 14 15 16 चार दिन है, तो इसमें भी आंसर कंफर्म नहीं पता चलता। तो है कब, कैसे पता चलेगा, जब दोनों इन्फॉर्मेशन को आप जोड़ लोगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि 12 और 15 में बड़ी डेट क्या है, 15, तो 15 इधर से ले लिया, और उसके बाद 19 और 17 में छोटी डेट कौन सी है, 17, तो 17 इधर से ले लिया। तो 15 और 17 के बीच में आपको क्या मिल रहा है डेट, 15 और 17 के बीच में एक ही डेट मिलता है जो है 16, तो यानी कि आंसर मिल जाएगा जब आप पहले और दूसरे दोनों का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, बोथ आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ये अगला कुछ डेटा आपको दिया गया है, देयर आर 5 मेन, अजय, राहुल, कुणाल, विक्की एंड अमित, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, ठीक है। द वन हु इज द शॉर्टेस्ट इज ऑल्सो द एल्डेस्ट, यानी कि अब यहाँ पर आपको दो तरह, तो एक ए आर के वी ए, अच्छा दो लोग ए से हैं ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 5 हमने दो जगह बना दिया। अभी हमने दो जगह 5 5 बना दिया, ठीक है। तो ऊपर हम क्या कर देंगे, एक हाइट का भी है और एक एज का है, तो ऊपर वाला हम एज बना देंगे, नीचे वाला हाइट वाला बना देंगे। तो द वन हु इज शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है उम्र में,
विकी इज टॉलर देन अमित बट यंगर देन हिम। तो विकी जो है वो बड़ा है अमित से हाइट में, लेकिन छोटा है उम्र में उससे, विकी से। देयर आर ओनली टू पीपल टॉलर देन अजय। तो अजय से केवल दो ही लोग लंबे हैं, अजय से केवल दो ही लोग लंबे हैं। तो अजय को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट हम नीचे बना रहे हैं, ठीक है। अजय से केवल दो ही लोग लंबे हैं। राहुल इज द यंगेस्ट, राहुल एज में यंगेस्ट है, तो राहुल को मैं एज में लिखूंगा यहाँ पर कि राहुल जो है वो एज में यंगेस्ट है, यहाँ पर राहुल लिख दिया। देयर आर ओनली टू पीपल आर यंगर देन विकी, विकी से छोटे केवल दो ही लोग हैं, विकी से छोटे केवल दो ही लोग हैं। तो विकी को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो विकी से बड़े भी केवल दो ही लोग हैं और विकी से छोटे भी केवल दो ही लोग हैं, ओनली टू पीपल यंगर देन विकी। अमित सबसे छोटा नहीं है, तो हाइट की बात हो रही है और इसमें बता रहा है कि अमित सबसे छोटा नहीं है। राहुल इज शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन, राहुल केवल एक ही लोगों से छोटा है, यानी कि बाकी सबसे बड़ा होगा। शॉर्टर वर्ड है, यानी कि हाइट की बात हो रही, तो राहुल को यहां पे लिख दीजिए जो केवल एक से छोटा है। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक है, तो पांच लोगों का जिक्र हुआ था, नाम आपको दिए थे, जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो सबसे एल्डेस्ट भी है। शॉर्टेस्ट तो हमको पता नहीं चला हाइट में, तो अमित के बारे में क्या बोला था, हाँ वो शॉर्टेस्ट नहीं है, तो जो शॉर्टेस्ट है वो एल्डेस्ट है, ये भी पता है। राहुल इज शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन, ये भी हमने बना दिया। और क्या डेटा था, विकी इज टॉलर देन अमित बट यंगर देन हिम, विकी जो है वो बड़ा है अमित से, विकी बड़ा है अमित से, टॉलर है, हाइट की बात हो रही है। तो विकी आप यहीं पर लिखोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, विकी आप यहाँ पर लिख दोगे और ये हो जाएगा अमित, क्योंकि अमित लास्ट में नहीं आ सकता। तो विकी बड़ा है अमित से, ये हमने बना दिया, और इस हिसाब से केवल एक नाम बचता है कुणाल, तो कुणाल को आप यहाँ पे लिख दो। और जो हमें बताया गया था सबसे पहले कि विकी द वन हु इज शॉर्टेस्ट इज ऑल्सो द एल्डेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट अगर हम बात करें हाइट की, कुणाल है, तो एज में वो सबसे बड़ा होगा, तो एज में वो सबसे बड़ा होगा, कुणाल को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कुणाल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात आ रही थी कि विकी जो है वो बड़ा है अमित से बट यंगर देन हिम, विकी बड़ा है हाइट में, बड़ा है अमित से, बट एज में वो छोटा है, विकी छोटा है अमित से, तो अमित आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अमित, विकी, कुणाल, राहुल, बचा कौन, बचा कौन, अजय बचा, तो अजय आप यहाँ पे लिख दोगे। ये अरेंजमेंट बन करके हमने तैयार कर दिया। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन, टॉलेस्ट कौन है, पूछ रहा है टॉलेस्ट कौन है, सबसे टॉलेस्ट कौन होगा यहाँ पर, सबसे टॉलेस्ट कौन है, एज वाला ऊपर है, हाइट वाला नीचे है, सबसे टॉलेस्ट कौन दिख रहा है, विकी, विकी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विकी इसका करेक्ट आंसर है। 300 प्लस लाइक करने हैं हमको, जितने लोगों ने अभी ये लाइव देखना शुरू किया है जल्दी से सेशन को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। 300 प्लस लाइक करना है अभी, 300 प्लस लाइक हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे करके केवल एक ही क्वेश्चन इससे पूछा, खैर छोड़ देते हैं इसको। अब आ जाते हैं इधर, तो यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज दी गई हैं, कुछ वंशज दिए गए हैं, और कौन सा वंश कब आया, किसके बाद कौन सा आया, एक सीक्वेंस आपको तैयार करना है। तो खिलजी, सैयद, मामलुक, मामलुक तो मैंने सुना भी नहीं है, तुगलक, लोधी, इनमें से कौन सा वंश सबसे पहले था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके का सीक्वेंस। स्किप कर देंगे, चलिए मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहला आया था थ्री, मामलुक, फिर उसके बाद तुगलक है, फिर उसके बाद खिलजी है, फिर उसके बाद सैयद है, फिर उसके बाद लोधी राजवंश है। जीएस का क्वेश्चन हो गया ये, जैसे कि बताया जा चुका है कि रीजनिंग में केवल और केवल रीजनिंग जैसा कुछ नहीं है, इसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, जीए भी है, साइंस भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। यहाँ जाओ, एडवर्टीजमेंट, एक वर्ड आपको मिला है एडवर्टीजमेंट, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ लेटर रिपीट भी हो रहे होंगे। हमें ये बताना है कि इनमें मौजूद लेटर से आप कौन सा वर्ड
नहीं बना सकते. यू कैन नॉट फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट में मौजूद लेटर से आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं. इनसे आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं एडवर्टीजमेंट मौजूद लेटर से. टाइम तो बनी जाएगा TIME तो बन जाएगा. डिवाइस DEVIC नहीं दिया हुआ है. एडवर्टीजमेंट में कहीं भी सी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं बना सकते आप. ठीक है, एडवाइस बन जाएगा, एडवाइस बन जाएगा, रिवाइज भी बन जाएगा. बस नहीं बनेगा तो कौन सा, नहीं बनेगा तो डिवाइस नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि सी मौजूद नहीं था उसमें. यस, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2. खुशी, कृष्णा, प्रीति, विशाल भगत, बपन, रितिका, अरविंद, हेतल, कुमारी, सचिन, खुशी, रोहित राज, मानव, प्रीति वर्मा एंड शतांशु, अरविंद, अमित कुमार, गुड़िया सिंह, अनिल, मनोज, रितिका सिंह, ब्रिजेश, अजीत, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं. आ जाते हैं मिसिंग नंबर. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया. मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है बेटा. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले वाले इमेज को ध्यान से देखो. ठीक है, किनारे किनारे कुछ नंबर हैं और एक नंबर बीच में है. दूसरे इमेज में भी किनारे किनारे एक नंबर है, बीच वाला नंबर जो है हमें पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है. तो किनारे किनारे जितने नंबर हैं उन सबका इस्तेमाल करके हम बीच वाला नंबर बना सकते हैं. बना सकते हैं तो कैसे? कैसे ये बन रहा है बीच वाला नंबर? अगर हम सबको ऐड कर देते हैं 12, 11, 6 और 9, इस तरीके से ऐड कर देते हैं, 9, 1, 10, 6, 16, 2, 18, यहाँ पे हो जाता है 38. तो 38 से तो 78 कैसे बनेगा? यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप है. तो और क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें या प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें. पहले खिलजी आएगा. देखो भाई, वो क्वेश्चन GS का था और मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे इसका नॉलेज नहीं है. ठीक है, वो सीक्वेंस बनाना है. सीक्वेंस मैं भी होऊंगा तो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि अगर मुझे वो सीक्वेंस नहीं पता होगा तो मैं उसमें ज़बरदस्ती हाथ नहीं डालूंगा. तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर. ये हो गया 132. ठीक है, इधर नीचे नंबर थे 9 और 6, 9 6 54. और अगर हम इसका निकाल लेते हैं क्या डिफरेंस, 12 में से 4 चले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11. और नहीं नहीं 12 में से 4 जाएंगे 8 इधर, या 12 ही बचेगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, 78 यानी कि 78. और यहाँ पर 78 आपको दिया हुआ है. ठीक है, 78 आपको दिया हुआ है, माइनस कर दिया तो ये ऊपर कर देंगे तो 140 हो जाएगा. इन दोनों से 10 और 14 से क्या बन जाएगा? 140. 8 और 7 से क्या बन जाएगा? 8 7 56. 10 6 जाएंगे 4, यहाँ बचेगा 13 और 5 यहाँ से 8, 84. 84 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है यहाँ पर 84. पहले के दो नंबर, ऊपर के दो नंबर, नीचे के दो नंबर, इनको मल्टीप्लाई करिए आपस में. 12 11 मल्टीप्लाई, 9 6 मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस निकालिए, बीच वाला नंबर मिलेगा. 10 14 का मल्टीप्लाई, 8 7 का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालिए, बीच में एक नंबर जो आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा. चलो यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की, जो कि क्वेश्चन थोड़ा छुप रहा है हिंदी में. वीडियो प्रोफाइल डाउन कर देता हूँ मैं. यस, तो 5 लोग हैं, STUVW, ये 5 लोग हैं, ये एक रो में बैठे हुए हैं. इक्वल डिस्टेंस है, 3 पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, और जबकि 2 लोग देख रहे हैं साउथ. इनमें से 3 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं. Only 2 people who are facing north are sitting next to each other. केवल 2 ही लोग हैं ऐसे जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, वो अगल बगल बैठे हैं.
एक्सेप्ट दीज टू नो वन इज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर हु आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जो एक ही दिशा में देख रहा हो और अगल बगल बैठा हो। फिर आगे आपके क्या कह रहा है, टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड नो अदर पर्सन इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। तो टी और डब्ल्यू सेम दिशा में देख रहे हैं और इनके अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसी दिशा में देख रहा हो। ठीक है, टी और डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, टी और डब्ल्यू, यस। टी सिटिंग सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, तो टी लेफ्ट से सेकेंड है, तो एक दो तीन चार पाँच छः नहीं पाँच ही लोग हैं, ये पांच पोजीशन बनाई। टी लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है, तो मैं यहाँ पर टी को लिख देता हूँ, भाई टी यहाँ पर आएगा, टी लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है। वी इज नॉट सिटिंग विद टी नॉर यू, वी ना तो टी के साथ है ना तो यू के साथ है, तो वी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और वी यू के बगल में भी नहीं आएगा। बस हु अमंग द फॉलोइंग आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अच्छा बस इतना ही डेटा है हमारे पास। अच्छा जी और देख लेते हैं भाई, ओनली टू पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। एक्सेप्ट दीज टू नो वन इज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ओके इन द सेम डायरेक्शन। द टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड नो अदर पर्सन इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। टी एंड डब्ल्यू फेसिंग द सेम डायरेक्शन, नो अदर पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। टी इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड अच्छा वी जो है वो यू के साथ भी नहीं है और टी के साथ भी नहीं है। अच्छा जी चलो वी को रख के देखते हैं, वी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है वी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके अगल बगल यू नहीं आना चाहिए, है ना। तो U को आप कहाँ कहाँ पे लिखोगे, U को आप एंड पे लिख दो, ठीक। एक तो ये हमने कर दिया और इसके अलावा क्या कह रहा था, T और W के बारे में, ये एक ही दिशा में देख रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो सेम दिशा में नहीं देख रहा है। और एक और बात बताई गई थी, ओनली टू पर्सन आर हु आर फेसिंग नॉर्थ आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर T और W जो है वो हमारे साउथ की तरफ देख रहे हैं और T लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है, तो T को इधर मैंने साउथ पे माना और T के साथ W को भी हमको रखना है, जबकि दो लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो W को साथ में नहीं रखना है, तो W को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये भी साउथ देखेगा। दो लोग नॉर्थ की तरफ लगातार देखने चाहिए मतलब साथ में, तो इधर भी एक व्यक्ति रख देते हैं, इधर भी एक व्यक्ति रख देते हैं, ये दोनों नॉर्थ की तरफ देखेगा। थ्री पीपल फेसिंग नॉर्थ, तीन लोग थे जो नॉर्थ की तरफ देखेंगे, ये तीन लोग नॉर्थ की तरफ हमने बना दिया। टी और डब्ल्यू साउथ की तरफ देख रहे थे एक ही दिशा में, और दो लोग जो नॉर्थ की तरफ देख रहे थे वो एक ही साथ बैठेंगे और कोई व्यक्ति साथ में नहीं बैठ सकता। तो वी के साथ अब और कौन बचेगा, एस बचेगा, तो एस को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हमने बना दिया भाई। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो एस और वी हमारे पास आने चाहिए और एस और वी हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री में, ठीक है। एस और वी हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी, ये लो भाई यहां पर आ जाते हैं। इसमें बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए इसका, स्टेटमेंट है और उससे हमको पूछा जा रहा है कंक्लूजन, स्टेटमेंट है उससे हमको पूछा जा रहा है कंक्लूजन। ऑल पेपर्स आर पेजेस, ऑल पेपर्स आर पेजेस, ऑल पेपर्स आर पेजेस, ये हमने बना दिया, ठीक है। ऑल पेपर्स आर पेजेस, जस्ट अ सेकेंड, इसको चला देते हैं। हाँ,
ऑल पेपर्स आर पेजेस, सम पेजेस आर फोन्स, कुछ पेजेस हमारे क्या हो जाएंगे, फोन्स हो जाएंगे, कुछ पेजेस हमारे क्या हो जाएंगे, फोन्स हो जाएंगे। फिर सम फोन्स आर आईपैड्स, कुछ फोन आपके क्या हो जाएंगे, आईपैड हो जाएंगे, कुछ फोन आपके आईपैड हो जाएंगे। तो सभी पेपर पेजेस हो गए, कुछ पेजेस फोन्स हो गए और कुछ फोन्स आपके आईपैड्स हो गए। कंक्लूजन आप इससे क्या निकालोगे बच्चे, नो पेपर बीइंग आईपैड इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पेपर आईपैड ना हो इस बात की संभावना है। तो कोई भी पेपर कहाँ है, ये रहा, आईपैड कहाँ है, ये रहा। तो पेपर और आईपैड का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, हाँ संभावना है कि ये दोनों एक दूसरे के पार्ट ना हो, पहला सही है। दूसरा, सम फोन्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम फोन्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ फोन और पेपर का संभावना हो सकता है, ये भी एक दूसरे के पार्ट बन सकते हैं। सभी आईपैड क्या पेजेस हैं, कन्फर्म, सभी आईपैड क्या पेजेस हैं, कन्फर्म, डाउटफुल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई कन्फर्म रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थ्री जिसमें दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर थ्री जिसमें दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यस ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन है, ये भी सिलॉग्स का ही है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे भाई, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या करेंगे, डायग्राम मैं बनाता हूं जब तक। तो इसमें कह रहा है कि सम सर्कल्स आर ट्वाइस, सम सर्कल्स आर ट्वाइस एंड सम ग्रीन्स आर सर्किल, सम ग्रीन्स आर सर्किल, तो कुछ ग्रीन आपके सर्कल हैं, कुछ ग्रीन आपके सर्कल हैं और कुछ ट्वाई आपके सर्कल हैं, कुछ ग्रीन आपका सर्कल है और कुछ ट्वाई आपके सर्कल हैं। कंक्लूजन पूछा है क्या कुछ ग्रीन ट्वाई हैं, तो ग्रीन अलग है ट्वाई अलग है, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है, तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल। कुछ ट्वाई के आपके सर्कल हैं, हमें बताया गया था कि कुछ सर्कल ट्वाइज हैं, तो बेटा जब कुछ सर्कल ट्वाई होंगे ना तो कुछ ट्वाई भी तो सर्कल होंगे ना, एक दूसरे का पार्ट होंगे ना, तो ये सही है। तो सम ट्वाई आर सर्कल, ये सही है, सेकंड वाला फॉलो करेगा, और सेकंड वाला फॉलो करने का मतलब है ऑप्शन नंबर टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नाउ ये क्वेश्चन बेटा आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग का, और इसमें क्या करना है, यहाँ पर पहले दो इमेज में आपको ध्यान से देखना है कि क्या रिलेशन है, पहले इमेज से दूसरा या दूसरे से पहला बनाया जा रहा होगा, पहला इमेज अगर दूसरे से रिलेटेड है तो तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, पहला अगर दूसरे से रिलेटेड है तो तीसरा चौथे से संबंधित होगा तो किस प्रकार होगा, पहला दूसरे से, अरे संस्कार पढ़ ही लियो, आए थोड़ा पढ़ ही लियो, चिल्ला चिल्ला के यहाँ जो है गला बैठा जा रहा है तुमको, मोहब्बतें सूझ रही कहाँ तुम लोगों का, क्या करें यार हम बताएं, जाओ लो अब कर लो मोहब्बत, तुम ब्लॉक कर दिया मैंने तुमको। तो पहला अगर दूसरे से रिलेटेड है तो तीसरा चौथे से रिलेटेड होगा तो वो किस प्रकार होगा, ठीक है। तो पहला इमेज देखिए, दूसरा इमेज देखिए, तो इसमें देखिए कि एक एक दो तीन चार पाँच पेंटागन बना है, पेंटागन के अंदर पेंटागन, उसके अंदर पेंटागन, उसके अंदर पेंटागन, छोटे 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 बनते चले जा रहे हैं, लेकिन है कितने, तो एक दो तीन चार, चार बन रहे हैं पेंटागन, ये चार पेंटागन है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर है, और यहाँ पर देखिए तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक दो तीन चार, इसमें चार पेंटागन थे और इसमें छः पेंटागन थे, इसमें चार पेंटागन थे और दूसरे में छः पेंटागन थे, ठीक है। इसमें देखिए तो एक दो तीन, इसमें तीन है तो अगले में कितने होने चाहिए, अगर चार के बाद छः दो बढ़ाए हैं तो इसके बाद तीन के बाद दो बढ़ाओगे तो पाँच होने चाहिए, ये एक फिर आ गया, ये मान नहीं रहा है लड़का हमारा, तीन के बाद पांच किस में मिलेगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः इसमें मिल रहा है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच इसमें मिल रहा है, तो सेकंड होना चाहिए, यस सेकंड। लॉजिक मैंने बता दिया है, आंखें मत दर्द करो अपनी, दर्द करवाओ मतलब,
बचा के रखो उनको। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक के बाद दो, दो के बाद नौ, नौ के बाद 28 और 28 के बाद 65। ये नंबर किसी न किसी के स्क्वायर या क्यूब के करीब करीब नहीं लग रहा है आपको? आई थिंक देखो ध्यान से, एक नंबर सीरीज का बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ये दो का क्यूब प्लस एक होगा, ये तीन का क्यूब प्लस एक है, ये चार का क्यूब प्लस एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये एक का क्यूब प्लस एक होगा, और इसका क्या करेंगे, जीरो का क्यूब प्लस एक, जीरो का क्यूब प्लस एक एक हो गया, वन का क्यूब प्लस एक दो हो गया, तीन का क्यूब प्लस एक दो का क्यूब प्लस एक नौ हो गया, तीन का क्यूब प्लस एक 28 हो गया, चार का क्यूब प्लस एक 65 हो गया, और पी पांच का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस एक कर दे तो हो जाएगा 126। सिंपल था। मुझे 10 और लाइक चाहिए जिससे हम 300 प्लस लाइक कंप्लीट कर पाए। हमें कितने और लाइक चाहिए बच्चा? जितने भी चाहिए लाइक करो जल्दी से, 300 प्लस लाइक। ओके अगेन आपके पास है भाई, मूवमेंट के बेसिस पे हो सकता है ये। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? पहले से दूसरा फिगर, दूसरे से तीसरा फिगर, अब तीसरे से चौथा फिगर हमें पता करना है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बताओ भाई। वही है एलिमेंट, ये इधर आ गया, ठीक है, ठीक है भाई, ये नीचे की तरफ आ गया, ये इधर की तरफ आ गया, और ये ऊपर की तरफ आ गया। तो इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस तरीके से। फिर आगे अगर आप देखो तो ये इधर की तरफ है, ठीक है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ मूव करता है, और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह और आगे आ जाइए, ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये ऐसे बनना चाहिए, ये आगे की तरफ मूव करेगा जब तो ये ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसको इधर की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, और ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसको ऐसे उल्टा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर टू है शायद, यस ऑप्शन नंबर टू, तो ऑप्शन नंबर टू इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो खैर, ये पजल है, ये अब आप लोग लगाएंगे, ठीक है, ये पजल है, इसको आप लोग लगाइएगा, और इसका जो भी अरेंजमेंट आप बनाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये एक पजल है, ये कैसे बनेगा आप लोग समय लेकर के इसको बनाइएगा। 300 प्लस लाइक हमने कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। और इस क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट बनेगा वो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे, कहां पर, नीचे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में। नाउ तो ये था आज का सेशन, और ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तो ग्रेट एग्जाम फेस्टिवल ईयरली टेस्ट बुक पास 299 रुपीज ओनली में, प्लस 3 मंथ का गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और मिशन रेलवे नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर रेलवे एग्जाम्स, और जिसके साथ भी आपको मिलता है प्लस 3 मंथ का टेस्ट बुक पास, तो इसको लगाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन जो कि था रीजनिंग के ऊपर, मॉक टेस्ट नंबर 15, या यहाँ मैं आपको बताऊँ कि यस, तो 20 क्वेश्चंस थे, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया। लास्ट क्वेश्चन एक पजल पर बेस्ड है जो आप लोग लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका अरेंजमेंट बताएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं रैप अप, मुलाकात करेंगे कल रात में 8 बजे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे कल रात में 8 बजे। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, इसी तरह ऑनलाइन आकर के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।